పద్మాలయ పద్మకర పద్మపత్ర నిభేక్షణ వందే పద్మముఖీ దేవి పద్మనాభ ప్రియామహం పద్మాలయ. ये क्या है, तुम लोगों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके रास्ता क्यों हटा दिया? निकालो इसे. बिगड़ी हुई कार रास्ते को नहीं तो क्या आसमान पड़ेगी? घर से निकलते वक्त देख कर क्यों नहीं चलते कि ये घास लेट का डिब्बा रास्ते में कहीं भी लेट सकता है? ओ मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो, जानते हो मैं कौन हूँ? अजी, आप किसी भी रियासत की राजकुमारी हो तो मेरे ठेंगे से. ए, मुंह से बात करो, हाथ नहीं लगाना. निशा, प्लीज, क्यों झगड़ा मोल ले रही हो? हम इसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है ये हमारी गाड़ी ठीक कर दे. रिक्वेस्ट करे मेरी ज्योति. ऐसा, ज्योति ठीक है तो फिर जाओ पैदल, ना तुम रहोगी ना तुम्हारी ज्योति. अब हटाओ या खटारा, नहीं तो 120 मील की स्पीड से आकर इतनी जोर की टक्कर मारूंगा कि ये घासलेट का डिब्बा कचरे की डिब्बे की तरह उड़ता हुआ दूर चला जाएगा. अब तीन तक गिनता हूँ. एक, दो, तीन. नो नो नो, प्लीज नाराज मत होइए, हमारी मदद कीजिए. हाँ, ये हुई ना इंसाने वाली बात. चलो बाजू हटो, बाजू हटो. शाबाश, खुल जा सिम सिम. इंजन पर से अपने अपने सर उठाइए. इस कार को ठीक करना मेरे बस की बात नहीं. हाँ, तो एक काम करो, हमारी कार को अपनी जीप से बांधकर किसी वर्कशॉप तक पहुंचा दो. रस्सी है, रस्सी ये चलेगी? अरे ऐसे तो किसी चूहे को फांसी भी नहीं दे सकते, कार क्या खाक खींचेगी? फिर क्या करेंगे? हाँ, एक काम कीजिए, आप सब अपने अपने कपड़े उतार दीजिए. नहीं मिस्टर, लेकर नहीं जाऊंगा, उन्हें बांधकर रस्सी बनाऊंगा गाड़ी खींचने के लिए. नहीं उतारेंगे कपड़े, और कोई आइडिया निकालो. आपके चेहरे को देखने के बाद आते हुए आइडिए वापस चले जाते हैं. खुद तो कपड़े नहीं निकालती हो और आइडिया निकालने को बोलती हो. पड़े रहो यहाँ पर, मैं तो चला. हमारी मदद करने के लिए तो कपड़े उतारने को कह रहा है, अगर कहीं अंधेरा हो गया तो. ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, चलो उतारे कपड़े. सुनो, तुम दोनों मत जाओ, यहाँ आकर धक्का मारो. अब मुझे नहीं कार को. लीजिए. अरे बांधो उधर जल्दी, लाओ मैं बांधता हूँ, इधर लाओ. हाँ शाबाश. मिस्टर, क्यों हमें खामखा सता रहे हैं? प्लीज हमारे कपड़े वापस कर दीजिए. पहले अपनी उस सर फिरी हीरोइन से कहो कि मुझसे माफी मांगे. माफी? किस बात की माफी? अरे नथने फुलाकर, आंखें चढ़ाकर, गर्दन नकड़ाकर मुझसे जो बदतमीजी से पेश आई उस बात की माफी. माफी मांगो वरना मैं चला और मेरे साथ साथ तुम्हारी ये साड़ियाँ और पतलूने भी चली. निशा प्लीज, मांग लो ना माफी, यहाँ पर सिर्फ हमें लोग तो हैं. ठीक है, I'm sorry. नहीं नहीं मैडम, ऐसे नहीं,
नरम नरम मस्के की तरह। आई एम सॉरी, हमारे कपड़े दे दीजिए ना। ये हुई ना बात, अब कैसे मुंह से कांटों की जगह गुलाब गिर रहे हैं। ये लो कपड़े। ला 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 ला। गाड़ी ठीक हो गई? हाँ, तुम्हारी जबान सुधर गई तो तुम्हारी गाड़ी भी सुधर गई। कौन से हिस्से में खराबी थी? सिर्फ एक नट ढीला था। कभी कभी एक नट पूरी बॉडी को चौपट कर देता है। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। ए मिस्टर, चाबी कहाँ है? यहाँ। दो। पहले मेरी मजदूरी दो। ओह, आई एम सॉरी। कितनी? 100 रुपए। मतलब एक नट टाइट करने के लिए 100 रुपए? जी नहीं, नट टाइट करने का 1 रुपया, उसे ढूंढ निकालने के 99 रुपए, 99 रुपीस इन इंग्लिश। अगर मैं ना दूं तो क्या करोगी? मैं इस चाबी को ऐसे फेंकूंगा कि सीधे उस पहाड़ी के पीछे चली जाएगी। फेंकू? तो जुल्म है। जी नहीं, इंसाफ है। लो। आ, 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 अब मैं ये ऐसे नहीं लूंगा। फिर कैसे लोगे? नोट को होश से लगाकर किस करके दो, तब लूंगा। यो? यू वो कुछ नहीं, नोट को किस करो, नहीं तो चाबी चली अभी। लवली, थैंक यू। दो। लो। तोबा तोबा तोबा, क्या रिश्तेदार मिले हैं। जड़ काटते जाते हैं और झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए ऊपर से पत्तों पर पानी डालते रहते हैं। दरअसल कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। रिश्तेदार समझकर तुम लोगों को घर में जगह दे दी, उसकी सजा मुझे मिल रही है। क्या जड़ काटी है भैया, क्या बुरा किया है आपके साथ जो आज आप ऐसे ताने दे रहे हैं? ताने दे रहा हूं? रहम खाकर तुम्हें इस घर में जगह दे दी, ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तुम्हारे पति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ये मेरी दूसरी गलती थी। और उसके बाद मेरे बिजनेस का जो ये हाल बना रहे हैं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्या बुरा हाल कर रहे हैं जीजा जी? लगता है आपको हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है। वरना बताइए, फैक्ट्री की जितनी भी आमदनी आती है सब लाके आपके चरणों में डाल देता हूँ। उसमें से एक पैसा खाना कुत्ते का गोश्त खाने के बराबर है। वो कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री की आमदनी अचानक क्यों कम हो गई, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ है। आजकल के मजदूर बहुत बेईमान हो गए हैं। पहले दिल लगा के काम करते थे, अब दिमाग से काम करते हैं। पहले भोले होते थे, अब सियाने हो गए, अकलमंद हो गए। अकलमंद वो नहीं अजीत, तुम हो गए हो। मजदूरों की मांग क्या होगी? साल भर में सिर्फ एक बार बोनस, लेकिन तुम जैसे लोग तो सुबह से शाम तक बोनस ही निकालते रहते हैं। माल खुद जमा कर रहे हो और जिम्मेदार मजदूरों को ठहरा रहे हो। कल सुबह तक पूरा अकाउंट मेरे सामने आ जाना चाहिए। डैडी, डैडी। आज इतनी देर क्यों हो गई बेटी? हाँ, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो फिर तुम आई कैसे? एक मैकेनिक मिला, उसे गाड़ी रिपेयर कराई। मगर उसने कितना बड़ा धोखा दिया मालूम है डैडी? सिर्फ एक नट टाइट किया और 100 रुपया ले लिया। एक नट टाइट करने का 100 रुपया? ऐसा बेईमान आदमी था? अब पिताजी, आपका कोई भाई जिंदा है क्या? देखो बेटी, ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं, जमाना बड़ा खराब चल रहा है। तू हमेशा रंजीत को अपना बॉडीगार्ड बनाकर ले जाया कर, आखिर ये तेरा मंगेतर है बेटी। वाह, क्या मंगेतर है! ऐसे मंगेतर को बॉडीगार्ड बनाकर ले जाऊंगी तो बाहर जाकर इनकी ही बॉडी को गार्ड करना पड़ेगा। तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? अरे अपने साथ रखो तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। गाड़ी में बिठाओ, ड्राइवर बन जाऊंगा। पीछे बिठाओ, क्लीनर बन जाऊंगा। गाड़ी बिगड़ा उसे धक्का लगाऊंगा और तुम्हें को छेड़े तो उसका खून पी जाऊंगा। खून पी जाऊंगा, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। जो काम आपने बताए, पैसे फेंके तो वो काम कोई भी कर सकता है। मगर मैं फोकट में कर दूंगा। फोकट में करोगे? अरे यहाँ बैठ के फोकट में 10 मन अनाज खाते हो, वो कुछ नहीं। मामा जी, देखो कैसे बातें करती है ये। बिल्कुल सही बात कर रही है सन्यासी महाराज। मामा जी, आप क्यों हमेशा मुझे सन्यासी कहते रहते हैं? एक बार मेरी और निशा की शादी करा दीजिए, फिर देखिए मैं कैसा संसारी आदमी बनता हूँ। जीजा जी, बात निकली तो मैं भी जबान हिला रहा हूँ। निशा की और इसकी शादी करवा दीजिए ना, स्वर्गवासी भाभी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा को किस बात से शांति मिलेगी, किस बात से दुख मिलेगा, ये सब कुछ मुझे मालूम है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रहा निशा की शादी का सवाल, वो कब करनी है, किससे करनी है, वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। समझ गए? जाओ।
तुम भी जाओ। 25, 50, 100, 200, 300। हम लोग यहाँ से चोरियां करके माल उड़ाते हैं, उसकी रिपोर्ट गुल साहब को कौन देता रहता है? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। देख बे, मुझसे बेईमानी मत करना, मैं बहुत पहुंचा आदमी हूँ, बेईमानी में शैतान को ट्यूशन देता हूँ। मुझसे झूठ बोलेगा तो सारे इल्जाम तुझको फंसा दूंगा। साहब मैं माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक किसी को एक शब्द नहीं बोला। ये काम उस इंजीनियर का हो सकता है। कौन इंजीनियर? साहब वही रमेश, वो आजकल काम से ज्यादा सीआईडी का काम करता है। ए मिस्टर, तुम बहुत चिटक किस्म के आदमी हो। नहीं नहीं, एक जरा सा पुर्जा के ठीक किया, सीआईडी वालों की तरह पीछे ही पड़ गए। मेरी गाड़ी का कोई पुर्जा ढीला वीला नहीं है। अभी मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, हटा अपनी सड़ी हुई जीप को। माफ करना मैडम, मैंने जिंदगी में एक ही काम सीखा है, मैं जिस मैदान में आगे बढ़ जाऊँ उसमें कभी पीछे नहीं हटता, वैसे ये मेरी आदत है। तुम्हारी आदत गई जहन्नुम में, मैं बाहर कैसे जाऊँ? ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर, चेहरे पर लाली पाउडर लगाकर, सड़क पर मनचलों को पागल करने से घर पे बैठना ही अच्छा है। ए मिस्टर, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कम कपड़े वालियों से बहुत ज्यादा बोलना मेरा पैदाइशी शौक। शट अप, अब मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो काट खाओगी। कोई बात नहीं, मुझ पर जानवरों के काटने का कोई असर नहीं होता। यू क्या बात है बेटी? देखिए ना डैडी, ये लुच्चा लफंगा मेरी गाड़ी को रोक कर कैसे कैसे बकवास कर रहा है। अरे मिस्टर रमेश, आइए आइए आइए। बेटी ये है मिस्टर रमेश, अपने फैक्ट्री के नए इंजीनियर, और ये है मेरी बेटी निशा। हेलो। हेलो, चलो अंदर चलो। आओ बेटा रमेश, आओ। निशा जी। बेटी रमेश के लिए चाय ले आओ। हाँ डैडी। अच्छा क्यों फोन किया था तुमने रमेश? सर वो वाटर टैंक के असली कागजात तो ऑफिस में नहीं है, उनके प्लान्स, उनके एस्टिमेट। अरे वो तो मेरे पास है, तुम्हें चाहिए? जी हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ले आता हूँ। चाय। थैंक यू। नो मेंशन। चाय अच्छी है ना? जी हाँ बहुत अच्छी है। लेकिन ये क्या? बिल। काहे का बिल? चाय का बिल। घर पे बुला के चाय पिलाने के पैसे लेती हो? मैंने नहीं बुलाया आपको। चलिए ना से, लेकिन ये क्या, एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है। चाय की कीमत सिर्फ 1 रुपया, मगर अपने हाथों से बनाकर देने की सर्विस चार्ज 99 रुपए, आई मीन 99 रुपीज। ये तो जुल्म है, धोखा है, दुनिया में ऐसा कहीं होता है? और कार के एक नट को टाइट करने का 100 रुपया दुनिया के किसी मुल्क में होता है? ये धोखा नहीं था? चलो निकालो 100 रुपए। अच्छा बाबा। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? देखिए नाराज मत होइए, जब भी मैं किसी को टिप देता हूँ ना तो मुझे ऐसे ही प्यार से मारने की आदत है। रमेश, रमेश जी। अरे ये ओरिजिनल तो नहीं मिली, कॉपी मिली है जेरॉक्स की, ये चलेगी? जी हाँ। हाँ निशा जी, ये साफ नहीं छपा है, जरा देखिए क्या लिखा है। वो सो की पत्ती वापस करती हो या नहीं? मैं जिनको टिप देता हूँ उनकी पप्पी भी ले लेता हूँ, ले लूं? अरे क्या हुआ? जी वो पप्पी, मेरा मतलब है कॉपी, वो ओरिजिनल कॉपी घर पर है और मैं घर को ताला लगाना भूल गया, चलता हूँ। अरे भाई संभाल के। 100 बॉक्स से चढ़ा दिए? हाँ जी। ये लो 50 की रसीद, जाओ जाओ। चलने के उतर ला रसीद दे। ये क्या रसीद? 50 बॉक्सेस की और गाड़ी में 100 बॉक्सेस चढ़ा जा रहे हैं? हाँ बात ये, वो क्या, ठीक से जवाब दो। अच्छा साहब मैं जवाब देता हूँ, तुम गाड़ी को लेके जाओ। अबे खैर। अरे साहब यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है? ये जो 50 बॉक्सेस चुराए जा रहे हैं ये किसके हिस्से में जाएंगे? जल्दी जवाब दे वरना पुलिस को बुलाऊंगा और वो लाते मार मार कर अगला पिछला सारा चोरी का हिसाब उगलवा लेगी। पुलिस? पिताजी पिताजी।
जाए। आपका सत्यानाश हो गया और क्या होगा? मार खाएगा बोलेगा। हाँ आज आप मुझे मान लो, लेकिन कल पुलिस तुमको उल्टा लटका के मारेगी। अबे क्या हुआ? वो इंजीनियर है ना इंजीनियर, उसको सब कुछ पता चल गया है। हाँ तैयार हो जाओ, हम लोगों का जेल जाने का टाइम आ गया है। अबे दिमाग मत फिरा, बता क्या हुआ? वो अपना दगड़ू है ना दगड़ू, वो 100% की रिसीट देता, वो पकड़ा गया है। हाँ पिताजी अब क्या होगा, शादी तो एक तरफ, अब निशा मेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। पिताजी आपने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया, कल तक आप मुझे गधे की औलाद कहते थे, अब सारी दुनिया मुझे चोर की औलाद कहेगी पिताजी, और चोर की औलाद के साथ निशा कभी शादी नहीं करेगी। बचा उस दिल कहीं का, कुछ नहीं होगा। हैं वो कैसे? इतिहास मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। बाबूजी सुवर के बच्चे सब किया खराब, पानी कर दिया। अब ज्यादा वक्त नहीं, सुन ये चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले ले जी। तो इसके बदले 30,000 रुपए तेरे घर पहुंचा दिए जाएंगे। अगर तूने हमको फंसाने की कोशिश की, हम पर इल्जाम डाला, तो समझ ले तू भी मारा जाएगा और तेरे भी बच्चों का भी खून हो जाएगा। क्या बोलता है? ठीक है बाबूजी, जैसे आप कहें। चोर बाबूजी, मुझे माफ करो बाबूजी। बच्चे मैंने तुझ पे विश्वास किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, तू भूखा मर रहा था, मैंने तुझको नौकरी दी, तूने मेरे साथ तकाबाजी कर डाली। बोल कितना दौलत से गोलमाल चल रहा था, बोल नहीं तो जान से मार डालूंगा। जान से मारोगे तो आपको फांसी लग जाएगी। कटे की औलाद। रमेश पुलिस को टेलीफोन कर दिया है ना? जी हाँ वो आती होगी। देखिए जीजाजी ये हरामखोर चोर है, मैंने एक मिनट में उसे कबूल कर लिया। चल कुत्ते चुपचाप क्या खड़ा है, अपने चोरी कबूल कर। चल मालिक मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मालिक मुझे क्षमा कीजिए, मालिक मुझे माफ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब इसी के बारे में मैंने कंप्लेन की थी। चलो नहीं चलो इसे, बाकी पूरी रिपोर्ट मैं पुलिस स्टेशन में आकर लिखवा दूंगा। थैंक यू। अच्छा आप लोग चलिए हम आते हैं। बहुत अच्छे बेटा रमेश, बहुत अच्छे। आज मुद्दत से तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में मैं था, आज वो कमी तुमने पूरी कर दी। अब ये काम अधूरा मत छोड़ना, तलाश जारी रखना, मालूम करो और कितने चोर हैं और कितने चूहे हैं जो इस गोदाम में बिल बनाकर माल गायब कर रहे हैं। दो और चूहे हैं सेठ जी, बड़े बड़े, इतने बड़े कि उनसे बिल्ली भी डर जाए, बस उन्हें पकड़ना है। पकड़ो बेटा, जरूर पकड़ो। ऐसे ही चूहों ने इस देश की धरती में बिल बनाकर उसे खोखला बना दिया है, उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जब तक जीजाजी का सत्यानाश नहीं हो जाता हमको सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ पिताजी जल्दी से उनका सत्यानाश कर दो, अगर मेरी निशा के साथ शादी ना हुई तो मैं अपनी कनपट्टी पे गोली मार दूंगा और मर जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे? ठीक है मैं क्यों मरूं, जान फोकट में थोड़ी आती है। ठीक है तो मैं पिताजी को गोली मार दूंगा। पिताजी को गोली मार दूंगा? अबे तू नाला नहीं बन सकता, मेरी गोली खाक मारेगा। बस भी करो, आप तो सुबह शाम से ऐसे डांटते रहते हैं जैसे ये आपकी औलाद नहीं किसी और की औलाद है। मुझे खुद इस बात का शक है कि ये मेरी औलाद नहीं, या तो अस्पताल में बच्चे बदल गए या फिर मैं इसका बाप नहीं हूँ। क्या ये आपका बेटा नहीं? इसका मतलब आप मेरी पवित्रता पे शक कर रहे हैं, मुझ पे एक गिरी हुई औरत होने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर ऐसी नामाकुल नालायक गधे की औलाद मेरे घर में कहां से पैदा हो गई? अगर ये मेरा बेटा होता तो इसके बाद कत्ल होती। अरे एक निशा तो क्या, इसके पीछे 10-10 लड़कियां भाग रही होती। 10-10 लड़कियों की बात कर रहे हैं? उस दिन बाजार में कितनी लड़कियां भाग रही थी मेरे पीछे? डंडा लगा मारने के लिए भाग रही थी क्योंकि तूने एक लड़की को धक्का मार दिया था। वो आइडिया भी आपका था धक्का मारने का? देखिए औलाद मैंने तुझसे कहा था लड़की को आहिस्ते से धक्का मार ताकि माफी मांगने का और शराफत से बात करने का तरीका सीखेगा। इस गधे की औलाद ने उस लड़की को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो शीशा तोड़ के सीधा दुकान में घुस गई। ओफो बंद करो ये फजूल की बकवास और ये सोचो कि अब क्या होगा। भैया ने तो निशा का हाथ इसके हाथ में देने से साफ इनकार कर दिया। माँ अगर मुझे निशा ना मिली तो मैं जान से मर जाऊंगा और उसका इल्जाम पिताजी के सर पे डाल दूंगा। मैं तुझे बता के मार करेगा। नहीं नहीं क्या करते हो? सुन मैं अब जो मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे करना, एक शब्द अपनी तरफ से नहीं बोलना। यानी कि आप जो लिख के देंगे वही बोलूं? हाँ। अब देख मैं तो इसे कैसी एक्टिंग करवाता हूँ। अजी छोड़ो जी, एक्टिंग से क्या होता है, वो रईस बाप की बेटी है, 50 अमीर बाप के बेटे उसके पीछे घूमते होंगे, वो इसे घास क्यों डालेगी? जरूर डालेगी, कहते हैं प्यार में बड़ा दम होता है, मोहब्बत का सैलाब दौलत की दीवार को गिरा देता है। पिताजी मैं निशा के घर की दीवार गिरा दूं? फिर बोला तू? मेरा मतलब मेरा कोई चांस है? हाँ है, बिल्कुल है। सुना नहीं 3 साल पहले एक मिनिस्टर की बेटी ने उसके चपरासी के बेटे से शादी कर ली। पिताजी कौन है वो मिनिस्टर, अब कहाँ है, उसकी और कोई बेटी है? इतिहास मत पूछो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। वो क्या ठीक करेगा, मैं एक चुटकी में कार एकदम ठीक कर दूंगा। मेरी कोई बच्चों की चाबी देने वाली कार नहीं है, सचमुच की कार है। तुम क्या ठीक करोगे? रमेश उल्लू का पठा जल्दी नीचे आओ।
निशा ऐसा जुल्म मत करो, जिंदगी में मुझे एक मौका तो दो। क्या बात है निशा? मेरी गाड़ी रास्ते में बिगड़ गए, जरा चलकर ठीक कर दो। अरे लेकिन यह काम बहुत है। प्लीज चलो ना। गाड़ी कहाँ है? बिल्कुल पास में है। चलो। अरे ये बिल्डिंग का इंजीनियर है, कार का इंजीनियर थोड़ा ही है। मशीन और इंजन का काम इसे बिल्कुल नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, कभी आपकी कोई मशीन खराब हो जाए तो बुला लेना, स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी चलो ना। अरे साइकिल पर? नहीं चलो। नहीं नहीं नहीं, बेड़ा कर खो तेरा, बेड़ा कर खो। भगवान करे उन दोनों पर बम गिर जाए। चोट लगी? कहाँ? बता नहीं सकती।
बदन में तूफान उठा दो, सारी हवा हो गई। हाथ लगा और गिर गया। ऊपर क्यों गया तू? किससे पूछ कर गया? ये सब पूछने वाला तू कौन है? तेरा बाप की फैक्ट्री है क्या? क्या कहा? ये कुछ राफाना जुआ गड्ढा है जो तुम लोग गुंडे मवाली की तरह झगड़ा कर लो। इसने मुझ पर ऊपर से रोड फेंका है। नहीं सेठ, ये झूठ बोलता है। देखो, अगर तुमको मारामारी करना है, एक दूसरे का खून करना, तो बाहर जाके करो या नहीं। ठीक है, यहाँ झगड़ा नहीं होगा। अरे बेटा, तेरी तकदीर अच्छी है कि सेठ लोग बीच में आ गए, वरना तुझे खटमल की तरह मसल डालता। हाँ अबे देख लो कमीने। कान बे, मुंह पे लाइट क्यों फेंक रहा है? तेरा बाप, देखने आया हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अब इस मच्छर को मैं मसल डालता हूँ। नहीं, ये मच्छर मेरे हाथों से मरने आया है। क्यों बे, मेरी बस्ती में आने की हिम्मत कैसे की? तेरी हिम्मत को नापने की, ये देखने के लिए कि मच्छर कौन है, तू या मैं।
हमें माफ कर दीजिए पिताजी। पिताजी जब ये फैक्ट्री हमें मिलेगी आप मुझे क्या देंगे? फांसी। बाबूजी माफ करो, छुट्टा नहीं है। चौकीदार, इस फकीर को अंदर कैसे आने दिया? अकल के अंधे, आंख खोल के देख, ये कौन है? ये वो है जिसको हमने रमेश को सबक सिखाने को भेजा था। तो फिर ये क्या हुआ? बाबूजी, उसने मार मार कर मेरे ये हाथ और पैर बिखर कर डाले। वो बहुत खतरनाक आदमी है साहब। मेरे को मालूम है कितना खतरनाक आदमी है। अभी तू तेरे आइडिया देना बंद कर, नहीं तो मैं तेरी नाक उखाड़ दूंगा। निकल, देखती रहो बुड्ढा आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई साहब आ रहे हैं, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम ये बात सुनाकर उन्हें और दुखी करना चाहती हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक तो बेचारे, उनके सिवा हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग तो यतीम हो जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर बेटी अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उसे रोकना तो चाहिए। अजी, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे तुम्हारे मुंह में गेड़ मल खाक। अरे क्या जी खाक, बताना तो पड़ेगा ही। अरे मगर जीजा जी ने सुन लिया तो खत्म हो जाएगा। अरे छुपाएंगे। क्या बात है अजीत, मैं कौन सी बात सुनूंगा तो गजब हो जाएगा। नहीं मामा जी, मामा जी, वो निशा है ना, बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ। चुप, बोलने दो उसे। क्या बात है रंजीत? मामा जी है ना, वो अपनी निशा है ना, बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ खेलती थी, नाचती थी, हंसी मजाक करती थी। अच्छा, ये बात है निशा? डैडी, डैडी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ निशा? तुम उस इंजीनियर के साथ घूमती फिरती हो, हंसी मजाक करती हो। खामोश क्यों, जवाब दो, क्या है, सच है? हाँ डैडी, सच है, मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं मानता किसी प्यार व्यार को। दुनिया में मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो अजीत? ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम फौरन शादी की तैयारियां शुरू करो। डैडी, मैं क्या करूँ? खामोश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अजीत, तुम फौरन जाओ, पंडित को बुला लाओ, मैं आज मुहूर्त निकाल कर शादी की तारीख पक्की करवा देता हूँ। थैंक यू मामा जी, मेरे प्यारे मामा जी। जीते रहो बेटा। धन्यवाद। अब चलो, तुम भी तैयार हो जाओ। शादी में जितने भी मेहमान आएंगे उनकी देखभाल और स्वागत के लिए तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रहना होगा। मैं स्वागत दरवाजे पे? अब मैं स्वागत कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अंदर मंडप पे बैठूंगा ना। क्यों, तुम मंडप में क्या करोगे? तुम कोई पंडित हो? मंडप में तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे, रमेश और निशा। क्या? कौन है बे? अरे अरे, फिर किधर खसक रहे ला रे? बोला था 3 दिन का बाद आएगा और साला 3 महीने का बाद आया है क्या रे? किधर और चक्कर तूने चालू कर दिया? बोल, नहीं तो जूली तेरे को ऐसा चक्कर देगा कि जिंदगी भर चकराता रहेगा। बाप की कसम, माँ की कसम, तेरी कसम, जा की कसम। अरे बाप की कसम, अरे माँ की कसम, अरे तेरी कसम, अरे जा की कसम, ले ले किसी की कसम। तेरे सिवा किसी का नहीं मैं, मुझको सारे जहाँ की कसम। तेरी कमरिया,
इतनी जवान हंसी दूसरी तो देखी नहीं दुनिया को मैं देखा ऐसे कितनों को बाहा कितनों के साथ रहा कितनों को दूने घुमाया इतनी जवान हंसी दूसरी तो देखी नहीं दुनिया को मैं देखा ऐसे कितनों को बाहा कितनों के साथ रहा कितनों को दूने घुमाया ख्वाबों में भी देखा नहीं और किसी को तेरी कसम ख्वाबों में भी देखा नहीं और किसी को तेरी कसम अरे बाप की कसम अरे माँ की कसम अरे तेरी कसम अरे जा की कसम ले ले किसी की कसम हा हा तेरे सिवा किसी की नहीं मैं मुझे बस के भाग बड़े चूमे तेरे गालों को बुलबुल पसंद चाहे बंद से बजाना चाहे जान चूम तेरी गालों में देखे हम तो खड़े खड़े केसुओं के भाग बड़े चूमे तेरे गालों को बुलबुल पसंद चाहे बंद से बजाना चाहे जान चूम तेरी गालों में एक तरफ सारा जहां एक तरफ तू मेरे सनम एक तरफ सारा जहां एक कसम अरे माँ की कसम अरे तेरी कसम अरे जा की कसम ले ले किसी की कसम हा हा तेरे सिवा किसी की नहीं मैं मुझे पसारे जहाँ की कसम रे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा कौन सा कसूर हुआ मुझसे जिसकी आप मुझे ये सजा दे रहे हैं तुम जैसे आदमी से बात करना उसके सवालों का जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझता हूं तुम्हारे लिए सिर्फ यही जवाब काफी है कि मुलाजिम अगर बदचलन हो तो उसे नौकरी से हटा देने का मालिक को पूरा हक होता है नाउ गेट आउट बदचलन मैं सर मेरी किस हरकत से आपको यह महसूस हुआ कि मैं बदचलन हूं मैं बताऊं तो सुनो नौकर को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए मालिक की छोकरी पे डोरा नहीं डालना चाहिए और तुम वही कर रहे थे उसके बाद पूछो मेरी गलती क्या है रंजीत अरे उस पर क्यों भड़क रहे हो बेचारा ठीक ही तो कह रहा है तुम्हारी शराफत के गहराई में कितनी बदमाशियों की चालें थी वो हम जानते हैं अरे हम जैसे वफादारों की बुराइयां करते रहे दौलत और जायदाद के लालच में हमारी बच्ची निशा से प्यार का मीठा मीठा नाटक करते रहे नाटक मेरा प्यार नाटक था आप ये कहना चाहते हैं कि दौलत के लालच में मैंने निशा से प्रेम किया इंजीनियर बाबू हम नहीं कह रहे हालात कह रहे हैं हालात नहीं कह रहे अजीत बाबू ये तुम कह रहे हो तुम लोग चाल चलकर हमारे प्यार की सच्चाई को बदनाम करना चाहते हैं। शट अप तुम क्या हो तुम्हारा प्यार क्या है तुम्हारी सच्चाई क्या है मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है अब शराफत की ज्यादा दलील मत पेश करो और निकल जाओ यहां से सर मेरी विनती है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े अरे अब चले जाओ इज्जत से शब्दों के झाड़ू से गंदे चरित्र को साफ करने की कोशिश मत करो हमारे जीजाजी बेचारे शरीफ आदमी इसलिए इज्जत से जाने को कह रहे हैं दूसरा कोई होता तो मारते 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 तुमको थाने तक ले जाता और उस वक्त तक वहीं खड़े रहता जब तक तुमको फांसी नहीं लग जाती समझे सर आप मुझे यहां से निकाल रहे हैं
इस बात का दुख नहीं है, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि गोदाम में बिल करने वाले दो बड़े चूहों को पकड़ने से पहले ही मैं इस घर से निकाला जा रहा हूं। लेकिन आप भी एक बात याद रखिए, जिस तरह मैं इस घर से निकाला जा रहा हूं उसी तरह एक दिन आपके रिश्तेदार भी आपको इस घर से निकालना दें, इस बात से चौकन्ने रहिएगा। हेलो हेलो, मैं गोयल बोल रहा हूँ। गोयल साहब नमस्ते, मैं एडवोकेट आनंद बोल रहा हूँ। जी पुरानी वसीयत लेकर आऊँ? क्यों, आप उसे बदलना चाहते हैं? अच्छी बात है, कल सुबह लेता आऊंगा। ठीक है। जल्दी आइए पिताजी। वेलकम वेलकम। यस एक्सक्यूज मी, अ डबल रूम वाज बुक्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर अजीत एंड मिस्टर रंजीत। साइन इट हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। चलो भी। वेलकम। जल्दी आओ। Your Honor, सारे सबूत ये साबित करते हैं कि मुलजिम रमेश ने ही गोयल साहब का खून किया। मसलन रमेश गोयल साहब की इकलौती बेटी निशा से प्यार करता था, दोनों की शादी भी पक्की हो चुकी थी, लेकिन अचानक गोयल साहब को रमेश की असलियत उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया। उन्होंने रमेश को घर में बुला के सबके सामने डांटा, उसके होने वाले रिश्ते को तोड़ दिया और वहीं उसे नौकरी से भी निकाल दिया। और इन तमाम बातों की वजह से रमेश के दिल में नफरत की आग पैदा हो गई और उस आग ने बदले की भावना को जन्म दिया। उसी रात रमेश ने गोयल साहब का खून करके अपना बदला ले लिया। मुलजिम रमेश, तुम्हें कुछ कहना है? यस योर ऑनर, यह सच है कि मैं गोयल साहब की बेटी निशा से प्यार करता था और अब भी करता हूं। और यह भी सच है कि उन्होंने हमारे प्यार पर एतराज किया, मुझे सबके सामने डांटा और नौकरी से भी निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कभी उनके लिए नफरत या बदला लेने की भावना पैदा नहीं हुई और ना ही उस दिन के बाद मैं उनके मकान के साए से गुजरा। कत्ल की रात तुम कहां थे? मैं अपने घर में था। कोई ऐसा गवाह है जो ये साबित कर सके कि तुम अपने घर में थे? सिवाय भगवान के मेरे पास दूसरा कोई गवाह नहीं। लेकिन मेरे पास है। मिस निशा, आप अदालत को बताएंगी कि कल की रात आपने क्या देखा? उस रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, काफी देर हो चुकी थी, मगर परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इतने में ऊपर पिताजी के कमरे से चीखने की आवाज आई, मैं उठकर फौरन बाहर आई तो देखा। क्या देखा बताइए मिस निशा, बोलिए, आपका बयान इस मुकदमे के लिए बहुत जरूरी है, बोलिए बोलिए ना। मैंने देखा पिताजी के कमरे से रेल
रमेश घबराए हुआ निकला और मुझे देखकर फौरन भागने लगा। निशा, मैंने उसे आवाज दी, रमेश रमेश बुलाती रही मगर वो भाग गया। निशा, क्या क्या तुमने मुझे अपने घर में देखा? मुलजिम को बीच में बोलने की इजाजत नहीं, आप आगे बोलिए। मुझे कुछ शक हुआ, मैं भागकर अपने पिताजी के कमरे में गई। वहां मैंने अपने पिताजी की लाश देखी। योर ऑनर, मुलजिम रमेश को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए मैं अदालत से 20 दिन की मोहलत चाहता हूं। रिक्वेस्ट ग्रांटेड, अगले महीने की 15 तारीख तक यह केस मुलतवी किया जाता है। थैंक यू योर ऑनर। साले जोर से तमाम मुर्गे के चूजे, छोटे छोटे चूजे। अब चुप, अभी तो टांग दबा रहे, क्या कर रहा है, जल्दी बाप। क्या अब उन्हें आ गया? आ गया। इस लल्लू को बुलाकर मेरे खाली पांव की मालिश करे। क्या अभी बोलता हूं? अबे ओ जाफर के, क्या बोला रे? अबे चल चल कर उस्ताद के पांव दबा। आपन को पांव नहीं गला दबाने का आदत है। अरे अभी नहीं नहीं गंगू, नहीं नहीं, मैं गला बड़ा ना चुके, कच्ची ककड़ी की तरह टूट जाएगा। क्यों बे गेंडे, चौपन से मालिश करवाएगा वो हाथ मारेगा कि सड़े हुए आम की तरह चमड़ा निकल जाएगा। हाँ, तू मेरा चमड़ा निकालेगा, तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? कौन है भैया? उस्ताद ने एक ही रात में पूरे मोहल्ले का मोहल्ला खून से लालम लाल कर दिया। तभी साले का थोबड़ा शैतान से काफी मिलता जुलता है। ऐसे इंसान को ना इधर का कोड माफ करेगा ना ऊपर का कोड माफ करेगा, लेकिन अप्रूव करेगा, क्योंकि आप उन आर्टिस्ट आदमी है, छुरा चाकू नहीं चलाता है, सिर्फ कैंची चलाता है। अबे ओ, अपने गेंडे उस्ताद से बोल कि आज से अपन का मालिश शुरू कर दे। क्यों बे, क्या बोला, तो मुझसे मालिश करवाएगा? क्या करे, मजबूरी है, अगर तेरा बाप जिंदा होता ना तो अपन उससे भी करवाता। गिर गया साले, गिर गया सारा। अबे साले मुझसे मत करा था। अबे गेंडे, अब तू अगर बेहोश हो जाए या मर भी जाए, मैं तुझ पर पानी नहीं डालूंगा। अब तू देख मेरा मजा। अबे गेंडे, इसको भी मुड़वा दिया साले। क्या करते हो आज? तुम्हें जेल से छूटने वाले हो, क्यों खामखा झगड़ा करके अपनी सजा बढ़वाना चाहते हो? क्या करेगा साहब, ये गेंडा बोलता है इसका मालिश करो। जिस हाथ से अपन खाना खाता है वो हाथ कोई इतना नापाक शरीर को कैसा लगा सकता है? अच्छा अच्छा, चलो आप चलो। अरे उधर नहीं,
जमींदार। अरे जग्गा गंगू। क्या है बे? इधर आओ प्लीज। अबे तू आदमी है क्या आईना है? सामने अपुन का ही शक्ल दिखाई दे रहा है। वही मैं सोच रहा था। कौन है बादशाह तू? मेरा नाम रमेश है। कौन से जुर्म में अंदर आयला है? खून के जुर्म में। खून? नहीं बेड़ो, अपुन का हक बोलता है कि तू किसी का खून नहीं कर सकता। तुम ठीक कहते हो दोस्त, मैं वाकई बेकसूर हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन जिससे प्यार करता था उसी ने मेरे खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दे दी। गवाही? कैसी गवाही? यही कि जिस रात उसके बाप का खून हुआ उस रात उसने मुझे उसके बंगले में देखा। इसीलिए प्यारे दौलत वालों से कभी दिल लगाना नहीं चाहिए, वो कपड़े और गाड़ियों की तरह दिल भी बदलते रहते हैं। अच्छा बोल, कौन लड़की है, किधर रहती है? इसी शहर में, जगन्नाथ स्ट्रीट में। बहुत बड़े आदमी थे गोयल वर्मा, उनकी बेटी। जगन्नाथ स्ट्रीट वाले गोयल वर्मा की बेटी? क्या गोयल वर्मा का खून हो गया? हाँ। कब? पिछले महीने की 9 तारीख को। हाँ तभी। अरे वो तेरी क्या बोलते हो उसको, हाँ गर्लफ्रेंड, वही उसकी आंख धोखा खा गई। अपन दोनों की शक्ल मिलती है ना, अपन खिसक गया और तू पकड़ा गया। मैं समझा नहीं। उस रात उस बंगले में उसने तेरे को नहीं अपन को देखा था, अपन गया था उधर। क्या बात करते हैं? कसम पैदा करने वाले की, अपन उस बंगले में चोरी करने को गया था, पर बदकिस्मती से तेरा वो गर्लफ्रेंड अचानक सामने आ गया। अपन उसको देखते ही वहां से चंपत हो गया। सच कह रहे हो? ईमान से, बस उसका भी कसूर नहीं है, उस बिचारी ने तो अपनी तरफ से सच ही बोला था। तुम ये बयान कोर्ट में दे सकते हो? कोर्ट? अरे नहीं भिड़ू नहीं, अगर अपुन ये बयान देगा तो पुलिस समझेगा कि खून अपुन ने किया है और तेरा फांसी का फंदा अपुन के गले में आ जाएगा। गंगू मुझे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। हाँ वो तो बरोबर है, लेकिन तेरे को बचाने को अपुन फांसी पर लटक जाएगा। अरे नहीं बाप नहीं, फोकर में फांसी पर कौन लटकेगा? मेरे बदले तुम यहाँ 3 दिन रह सकते हो। 3 दिन? क्यों बे क्यों? कल तुम यहाँ से छूट कर जाने वाले हो, मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ रहना। वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, मैं निशा को उनके चुंगल से छुड़ाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखकर वापस चलाऊंगा। अगर 3rd दिन 4 बजे तू वापस नहीं आया तो अपन तो जेल तोड़कर भाग जाएगा। वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, चाहे आंधी आए तूफान आए या काम अधूरा रह जाए, मैं 3rd दिन वापस जरूर आऊंगा। अब जल्दी से कपड़े बदल ले। ओके ओके। ये लो साहब अपन के कपड़े। गंगो ये रही तुम्हारी जेल की कमाई। थैंक यू सर। ठहरो। तुम जैसा पॉकेटमार अनपढ़ ठीक से हिंदी नहीं बोल सकता, इंग्लिश कहां से सीख ली? जी वो ये। क्या वो ये कर रहे हो? साफ साफ बताओ। बस यही कि आप बड़ा लोग का बात सुन सुन कर प्रैक्टिस हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बाहर की दुनिया में जाकर अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारो और कोशिश करो कि यहां दोबारा ना आओ। छोड़ दो ये चोरी और पॉकेट मारने का काम। मेहनत करो मेहनत, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो उनका सही इस्तेमाल करो। जी हाथ का सही इस्तेमाल करने को इस बार जा रहा है। जाओ चलता है। गुड बॉय। भाई साहब गाड़ी का स्टार्टर खराब हो गया है, आप जरा धक्का लगा देंगे? चलो तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का लगा। अबे तू पहले गाड़ी चलाता था कि हाथ गाड़ी चलाता था? 24 घंटे में तुझे रखे 10 बार तो गाड़ी बंद पड़ चुकी है। अभी स्टार्ट हो जाएगी सर। स्टार्ट हो गई, लीजिए साहब आपकी गाड़ी। बहुत शुक्रिया। स्टार्ट हो गई। अरे साला अपने चश्मे का नंबर बदल, अपन रमेश नहीं गंगू है। गंगू अरे चल चल, झूठ बोलता है तू रमेश जेल से भागा है। हवलदार। अरे हवलदार के किसी थानेदार को बुला, अपन किसी के बाप से डरता है क्या? क्या बात है सर? अरे ये जेल से भागा, पकड़ो उसको। साला फेंकता है, इसकी बुढ़ापे में खसा के लिए। अबे छोड़ो। अरे तुम देखते क्या, पकड़ो उसको यार। क्या रे ये सच बोलता है क्या? अरे हवालदार साहब ये झूठ बोल रहा है, या तो ये पागल है या तो फिर पियल है। अपुन को कब से रमेश रमेश करके पुकार रहा है और अपुन इसको कितनी बार बोला, अपुन रमेश नहीं गंगू है गंगू। अरे चल कोई गंगू तेलगू नहीं है, झूठ बोलता है ये रमेश से जेल से भागा पकड़। इधर लफड़ा नहीं मांगता है, चाकी चलो उधर चल के मालूम पड़ेगा कि तुम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, सब पता चल जाएगा। अरे गंगू तू आ गया, तू आ गया।
गया मैं। अरे साले अपन तेरे को मिलने को जेल गया तो अपन को मालूम पड़ा कि तेरे को पहले छुट्टी मिल गया। ए छोकरी, तुम इसको जानता है? जानता है? तेरे को हवलदार का नौकरी किसने दिया रे? तेरा बीवी तेरे को जानता नहीं क्या? अपन इसका होने वाला वाइफ और ये अपन का होने वाला हस्बैंड है। अरे जूली, पहले तू इसको अच्छा आदमी तो बना, जिधर किसका खिसा पाकिट देखता है हाथ डाल देता है। साल में 6 महीना अंदर और 6 महीना बाहर, थोड़ा पकड़ में रख इसको। अरे आंटी, अपन तो इसको बहुत पकड़ के रखता है मगर ये चिकना हंडी का माफिक हाथ से निकल जाता है। अभी अपन इसको नहीं छोड़ने वाला, रस्ते से बांध कर रखेगा। हाँ अरे ऐसा आंख फाड़ फाड़ कर क्या देखता है रे बुड्ढे? अपन का ऊपर लाइन मारता है क्या? आंख निकाल कर हाथ में रख देगा, समझा? तू चल रे। साहब एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, आप किसी अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, आपका आंख खराब हो गया है। अब के तेरे को छोड़ दिया तो फिर से अपन को तो मिलेगा क्या? चल चल बैठ, खाना खा। ऐसे बदलेला रहेगा तो जूली तेरे को एक दिन में 1000 पीस देगा। अरे क्या कर रही है? क्या हो गया तेरे को? ये तो अपन का रोज का है, दारू बंद कर दिया समझे, चुम्मा बंद कर दिया तो। अरे कोई देख लेगा तो? ओ समझ गया, तू अपन का पापा से डरता है ना? डरने हाँ। का कोई बात नहीं है। अरे वो बगीचे में गया है, शाम को लौटेगा। चल चल लिपट जा। क्या क्या हो गया? अरे मच्छी खाना भी भूल गया? तेरा माँ को मालूम पड़ेगा कि तू दारू छोड़ दिया तो वो कितना खुश हो जाएगा। सुनो भाई, ये जूली का मकान कहाँ है? वो सामने, वो बंगला। जी हाँ वो बंगला है। खाना बहुत बढ़िया था। गंगू। अब कौन साला मरने को आ गया है? कबाब में हड्डी। गंगू नहीं है, जाओ बाद में आना। गंगू। समझता नहीं है, कुत्ते का माफिक भोगता जा रहा है। एक मिनट जूली, आवाज जाना पहचाना लगता है, अपन देख कर आते हैं। हाँ ये तो रमेश है, जेल तोड़ कर भागा है, पकड़ो इसे। पुलिस कांस्टेबल कमिश्नर हाई कमिश्नर चीफ मिनिस्टर मैं भी इसे देख के धोखा खा गया था। सुन बे, तेरे को कितनी बार बोलने का कि आपुन रमेश नहीं है, तू समझता ही नहीं है। उधर रास्ते में कुत्ते के माफक भोग रहा था और इधर भोगने के लिए दूसरा कुत्ता भी लेकर आया। ए जी, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। चुप है गधे की औलाद। क्या है तुम्हारी शक्ल रमेश से इतनी मिलती जुलती है कि देखो लाख मनाओ मगर मुंह से रमेश निकल ही आता है। तुमसे एक काम है, हमारे साथ चलोगे? चलो। अरे देखो ये आज आया है, आज इसको नहीं जाने को देगा। चलो फूटो, कल आना। बुलाते चल दिया, चल अंदर। देवी जी क्या आप इनकी धर्म पत्नी है? अबे नहीं बे। अरे क्या बोला? मेरा मतलब है अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। क्या है? कुछ नहीं, तुमसे खास बात करनी है। क्या है? कुछ नहीं, राज की बात है। हाँ जूली, तुम यही ठहरो, आसामी तगड़ा लगता है, अभी पटा कर आता है। हाँ चलो चलो। अरे गंगू जल्दी आना, फिर अंदर मत हो जाना। अच्छा तो ये बात है। हाँ मैं चाहता हूँ कि निशा और ये है ना मेरा बेटा, इन दोनों की शादी हो जाए। किससे करवानी है? हाँ क्यों? अच्छा है, ज्यादा बदसूरत नहीं है। थैंक यू, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं लड़की होता ना तो मैं आज से शादी कर लेता। चुपचाप खड़ा रहे गधे की औलाद। गधे की औलाद के बाद करेक्ट। शादी कब है? कल। उफ, अच्छा तो तुम चाहते हो कि अपुन निशा के पास जाए और उसको रमेश बनकर डराए और उसको यकीन दिलाए कि अपुन ने यानी रमेश ने ही उसकी बाप की दौलत के लिए उससे प्यार किया था ताकि वो अपुन से नफरत करने लगे और तुमसे शादी करने को राजी हो जाए। बस बस इतना ही। एक मिनट, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा ये कि वो रमेश को ही अपने पिता का कातिल समझती है, इसलिए वो तुमको रमेश समझेगी और डर जाएगी और मेरी शादी राजी खुशी हो जाएगी और मेरा प्यार मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन क्या रमेश ने ही उसके बाप का खून किया था? हाँ हाँ। कुत्ते बाजी सुअर हरामी। ये क्या? मैं तुम्हें नहीं रमेश को गालियां दे रहा था। करेक्ट। ऐसी एक्टिंग उस निशा के सामने करना ताकि उस कमीने को भूल जाए और इस कमीने से शादी कर ले। मैं कमीना, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, अपन को रात को 10 बजे जगन्नाथ स्ट्रीट में
दस नंबर मकान में आने का, यही ना? हाँ, मैं दरवाजा खोल के रखूंगा, तुम पूरब की तरफ से अंदर आ जाना। अबे पूरब क्या, अपन तो यूरोप से अंदर आने को तैयार है। पहले ये बताओ माल कितना मिलेगा? माल ये रखो। क्यों मैं भीख दे रहा है क्या? दो दो। अच्छा लो, काम होने पे डबल दूंगा, रख लो यार। मुझे किसी से प्यार हो गया। कमीनी! चार, 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 चार। अरे चुप, ज्यादा चिल्लाई तो गर्दन काट कर गली में फेंक दूंगा। मामा मगर क्यों, मामला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? तूने मुझसे प्यार किया, मुझे धोखा दिया। मामा प्यार तुमसे? मामा मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जानती भी नहीं? जानती भी नहीं? 24 घंटे मेरी बाहों में ऐसे झूलती थी जैसे बंदर पेड़ की डाली पर झूलता है, और अब कहती मैं तुझे जानती भी नहीं। मामा मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। बच्चे की कसम? तो तेरा बच्चा भी है? एक है, एक। मुझसे कहती थी कि मैं कंवारी हूँ, मुझे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। अब पता चला कि तू एक हराम का बच्चा जन चुकी है। हे भगवान, कोई बचाओ, ये क्या क्या बोले जा रहा है? क्या क्या बोले जा रहा है? कमीनी, मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगा, और जहरीली काली नागिन, मेरा मतलब है जहरीली गोरी नागिन, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे चाकू मत मारो। क्या मन बोल? कुछ भी नहीं। अच्छा, हो ही नहीं सकता। बोल! मैंने तुमको इसको डराने को थोड़ी बोला था यार। अच्छा अच्छा, तो ये वो नहीं है? नहीं। अरे तुमने कहा वो खूबसूरत है, तो मैं ऐसे ही वो समझ बैठा। वैसे माल अच्छा है। क्या कर, तो ये मेरी बीवी है। मुबारक हो। किस बात की? मेरी खूबसूरत बीवी मिलने पर। वैसे ये तुम्हारी अपनी है, भगा कर लाया? अरे ये खूबसूरत मेरी बीवी है, हजार मरतबा कहा है, दिन भर बनाओ सिंगार मत किया कर, कुछ दिन जवान समझ को कोई लौंडा उठा के ले गया तो। और यार तुमको कहा था पूरब के दरवाजे से आना, यहाँ क्या करो? अपन इसी को पूरब समझा। क्या आदमी है, पूरब का दरवाजा ऊपर है, ऊपर जाओ। और ठहरो, तुमको देखकर डर लग रहा है, तुमको सचमुच का खून मत कर देना। तुम बोलेगा तो मार देगा, अपन को क्या? नहीं नहीं, सिर्फ डराना, और मेरे बाप वहां जाके इंजीनियर की तरह बर्ताव करना। सिर्फ बर्ताव करना या कुछ? नहीं 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 नहीं, सिर्फ बर्ताव करना, और देखो जरा दूर से बात करना, हाथ मत लगाना, अब मुझे उसे शादी करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके साथ शादी। वैसे माफ करना देवी जी, यकीन नहीं आता कि आप शादीशुदा हैं। कसम से। क्या कर रहे हो? चलो, बड़ा चालू आदमी है, मेरी माँ पे लाइन मार रहा है। तूने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझसे प्रेम का ढोंग किया, और जब जी भर गया तो मुझे को फंसा दिया। कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे खून से तेरी घर की दीवारें रंग दूंगा। तुम मुझे गाली दो, गाली दो। कातिल, बेईमान, खूनी, मेरे पिता के खून में हाथ रंगने के बाद मुझसे प्रेम की तमन्ना रखता है, मेरे बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। हाँ, जेल से उतर आया हूँ, अब तेरा खून करके मैं तेरी लाश को गटर में फेंककर वापस चला जाऊंगा। देखो मैं कहती हूँ, आगे मत बढ़ो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे याद कर ले अपने भगवान को, क्योंकि मैं एक ही झटके में तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। घबराओ मत, मैं उनके प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उनके बीच में से तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। सच? हाँ निशा, मैं चलता हूँ। गदौर कुत्ती कमीनी, मेरा गला, ऐसे गालियां देकर चोर से मेरा गला दबा दिया। अरे गला दबा दिया? देखो ना निशान पड़ गए। अरे बेचारी, अरे उसके हाथ टूटे भगवान करे। निशा जी, आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको उसके हाथ और पैर बांध के रखने चाहिए थे, बाद में मेरे माता पिता आकर उसे इतना डांटते कि वो बेचारा रोने लगता। गधे की औलाद, ज़बान हिलाने से पहले भेजा खुजा तो लिया कर, अबे क्या बोलता तू? जाने दीजिए पापा जी, आज मुझे पता चला कि वही मेरे पिताजी का असल कातिल है, और दौलत के लिए उसे प्यार का ढोंग कर रहा था। मैं रंजीत जी से शादी करने को तैयार हूँ। क्या हुआ? तुमने इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी कि झटके में मेरा शेर ढेर हो गया। उठ मेरे शेर, उठ बेटा। निशा, निशा,
निशा माय वुड बी वाइफ। गधे की औलाद लड़की से मार खा के पंखे की तरह घूम रहा है। ओंकारम इंदु संयुक्तम नित्यं व्याजयन्ति योगिना कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकारा नमो नमः। पंडित जी ये घर का घी है, महंगा है, संभाल कर डालिए, नहीं तो लगन के बाद लकड़ियां निचोड़ के सब वापस निकालना पड़ेगा। गधे के लग कन्या को बुलाइए। पंडित जी मैं जाऊं बुलाने? माँ मुझे आंख मत दिखाओ, नहीं तो शादी के बाद में तुम्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ओम इंद्रो वृद शर्वाहा बेटी। निशा अरे वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही है ना, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। आओ बेटी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, शर्मा क्यों रही हो, चलो ना। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आना। अभी आती हूँ। जी रंजन जरा सुनिए, अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। पता नहीं, अजी सुनते हो, हटो भी तो रास्ते में खड़े हो। अजी सुनते हो, हम बर्बाद हो गए, निशा हमारा मुंह काला करके भाग गई। भाग गई? अब ये मंगलसूत्र मैं किसके गले में पहनाऊंगा? मामा जी मेरा नाम भी निशा है, मुझसे शादी कर लो ना। हाँ ये ठीक है। आई को देखिए लग। रमेश तू मेरे बेटे ऐसे अच्छा, ये लड़की कौन है? ये निशा है माँ, मेरे मालिक की बेटी, बहुत नेक और शरीफ लड़की है। तुझे जैसी बहू चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी। भगवान इसे नजरे बद से बचाए, कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा। लेकिन तू बड़ा जल्दबाज है, शादी की नहीं और दुल्हन का जोड़ा पहनाकर इसे पहले ही ले आया। क्या करता माँ, इसके मामा इसकी शादी जबरदस्ती अपने लड़के से करवा रहे थे, मैं मौके पर पहुंच गया और इसे बचा लिया और शादी के मंडल सीधा यहाँ ले आया। हाय राम, तब तो वो लोग इसकी तलाश में यहाँ जरूर आएंगे। आओ बेटी अंदर आओ। उफ, फिर आ गया तुम लोग। गंगू किधर है? अच्छा वही हम तेरे से पूछने आए। शाल पति मत कर साले, फांदे बाजी करने को साथ में लेके गया था, अभी माल हजम करके उसको किधर फंसा दिया। बोल ए जूली, ज्यादा होशियारी मत कर, बोल गंगू का है। अरे अजब खोपड़ी का आदमी है, जब से तेरा साथ गया है अभी तक वापस नहीं आया। पिताजी पिताजी, सत्यानाश हो गया। क्या बकवास करता है? हो सकता है निशा को गंगू ही ले गया हो, ताकि उससे शादी करके उसके बाप की सारी जायदाद हड़प कर जाए। अबे क्या पता है, अपन का गंगू अपन को छोड़कर किसी के साथ शादी नहीं कर सकता है। अरे चल, तेरे पास रखा ही क्या है, निशा के बाप के पास करोड़ रुपया है, उससे शादी करेगा तो माला माल हो जाएगा, इसीलिए भगा के ले गया उसको। किधर लेके गया होगा? हमें क्या मालूम, वही पता लगाने तो हम इधर आए। अरे हरामखोर साला बदमाश लोग, लुच्चा कमीना, कुत्ते का गोश्त खाने वाला बेईमान लोग, अपन का गंगू को किधर भगा दिया, अपन का गंगू को वापस ला कर दो, नहीं तो ए, चुप, खिलाड़ी का हुए। ओह माय गॉड, अपन मर जाएगा, अपन जान दे देगा। अरे फनाटी जॉनी जॉनी, अब इधर आ। मैं क्या हो जूली, क्या कर रहा है ये चोर लोग, अपन का गंगू को चुरा कर ले गया। ए, ये क्या बोलता है? अरे झूठ बोलती है भाई, अगर हमने चुराया तो यहाँ क्या झक मारने को आते, क्यों है कि नहीं? नहीं, हाँ 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 हाँ। बोलो नहीं तो तेरे को चीड़ डालेगा हम। नहीं नहीं क्या, मैं बात तो सुनो पहले। पिताजी पिताजी भाग चलो, नहीं तो जूते पड़ेंगे। उल्लू का पट्टा चाकू को जूता। भागो! कर दिया। कोई नहीं है। क्या हुआ? ये तुम लोग जानवरों की तरह क्यों हाँप रहे हो? कहीं से पिटकर आए हो क्या? अजय बताओ ना। क्या हुआ? माँ माँ, निशा को गंगू उठाकर ले गया होगा, ये सोचकर हम गंगू के घर गए, लेकिन वहाँ पर लोग उल्टा हम पर ही चढ़ गए, हमसे पूछने लगे गंगू कहाँ है, उसे कहाँ छुपा कर रखा है। माँ जैसे पागल कुत्ते को पत्थर मारता है ना, जैसे पत्थर मार के भागा वहाँ से। माँ अजी बेवकूफ लोग हैं,
अरे निशा को गंगू ले जाकर क्या करेगा? मुझे क्यों डांटती हो? इनसे पूछो, ये आइडिया इनका 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 था। ये जलील और घटिया आइडिया इस कमीने का था। आपका था? जब देखो तब बाप बेटे लड़ते ही रहते हो, देखो तो सही। कहाँ से निकली ये? इस तक्के में से निकली। किसकी है? निशा डरो मत, मैं रमेश हूँ, गंगू के भेष में भाग कर आया हूँ। ये बेवकूफ मुझे गंगू समझकर तुम्हारे पास लाए हैं। कौन बेवकूफ? हम लोग और कौन? मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी का खून इन्हीं लोगों ने किया है। तुमने असलियत जाने बिना मुझ पर शक किया और मुझे फंसा दिया। अब हम ड्रामा करेंगे, मैं तुम्हें धमकाऊंगा, तुम डरने का नाटक करना और शादी के लिए राजी हो जाना। उसके बाद शादी वाले दिन मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं माँ। सुअर का बच्चा। तुम्हारे जेल से फरार होने की खबर तो नहीं छपी? नहीं कुछ नहीं। अरे तुमने ये जेवरात और शादी का जोड़ा क्यों नहीं उतारा? खाम का किसी को भी शक हो सकता है। माँ जी ने मना किया, उन्होंने कहा ये जोड़ा और जेवरात मत उतारना। क्यों? शायद कोई शगुन की बात होगी। नहीं बहन जी, ग्रहों के हिसाब से आज 9 बजे का समय सबसे ज्यादा शुभ है, नहीं तो आने वाले 1 वर्ष तक फिर कोई घड़ी विवाह के लिए शुभ नहीं है। ठीक है पंडित जी, जैसी भगवान की इच्छा, आज ही लगन कर देते हैं। लगन? किसका लगन माँ? तेरा बेटे और किसका? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी माँ। कैसी बातें करता है, आज अगर शादी नहीं हुई तो आने वाले 1 साल तक मुहूर्त की कोई शुभ घड़ी नहीं माँ। और शादी किए बगैर बहू का जोड़ा और जेवरात उतारना बहुत अशुभ होता है। हाँ बेटा, बगैर लगन के जोड़ा उतारना सारे परिवार का सर्वनाश कर सकता। ये सब वहम है माँ, पुरानी डखियानुसी बातें हैं, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे लेकिन क्यों, क्यों नहीं करना चाहता? मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं माँ। कोई समस्या नहीं, तू खामखा जिद कर रहा है। पंडित जी अब शादी की तैयारियां कीजिए। माँ चुप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जरा सुनना। माँ का दिल मत तोड़ो, वो जो चाहते हैं उन्हें कर लेने दो। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच मेरे कारण तुम्हारे परिवार पर कोई मुसीबत टूट पड़े, इसलिए हो जाने दे शादी। कैसे हाँ कर दूँ? तुम तो जानते हो किस बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, 3 दिन होते ही मुझे यहाँ से जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम शादी होते ही चले जाना। ये क्या कानाफूसी हो रही है? कुछ नहीं माँ जी, कोई छुपाने जैसी बात ही नहीं है। मैं इन्हें सिर्फ शादी के लिए राजी कर रही थी, ये राजी हो गए हैं। आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। निशा अब हुई ना बात। मंगलसूत्र पहना है। ओंकारम हिंदुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकारा नमो नमः यद्वज्रं तन्नासु ओं स्वस्तिनायो हृदि सर्वाः। जज्बाती बातें करके तुमने मुझे फंसा दिया ना। तुमने कहा माँ का हुक्म न मानना उसका दिल तोड़ना पाप है, तुम्हारी बात मानकर मैं शादी के लिए राजी हो गया। तो क्या हुआ? आज हमारी सुहाग रात है। तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ओफ़ निशा, फांसी का फंदा मेरे गले से लिपटा हुआ है और तुमने ये मंगलसूत्र पहना कर मुझे पति बना दिया। इस घड़ी जो लगन होता है उसके रस्म और रिवाज 3 दिन तक चलते हैं और माँ इसे टालने को भी तैयार नहीं, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मुझे क्या मालूम था कि बात ऐसा मोड़ ले लेगी। एक काम करिए, माँ जी को सब कुछ सच सच बता दें। कैसी बेहूदा बात कर रही है, माँ दिल की मरीज है, अगर उसे पता चलेगा कि मुझ पर खून का इल्जाम है तो वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। समझ में नहीं आता क्या करूँ। ओह माय गॉड। मगर इन समस्याओं का कोई हल तो ढूंढने की कोशिश करो। बहुत देर हो चुकी निशा, गंगू से मैंने जितने दिन की मोहलत मांगी थी वो मोहलत आज 5 बजे खत्म हो जाएगी। मुझे किसी भी हालत में जेल वापस पहुंचकर अपना वादा निभाना होगा, नहीं तो गंगू जेल तोड़कर फरार हो जाएगा और मैं अपने आप को कभी बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। मैं चलता हूं निशा, अपने ही आंसू पहुंचो और मेरी गैर मौजूदगी में मां का ख्याल रखना। मैं चलता हूं। मैं सच कह रहा हूं साहब, वो रमेश था जो हमारी निशा को लेकर भाग गया। ये कैसे हो सकता है मिस्टर अजीत,
रमेश तो जेल में है। कैसे विश्वास दिलाऊं? आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आदमी को पहचानने और सुनने में बिल्कुल पुलिस के कुत्ते की तरह हूँ। हाँ, मैंने उसे देखते ही सुन लिया था कि वही रमेश है। सर, एक आदमी दो जगह पे कैसे रह सकता है? वो जेल में नहीं है। ये क्या बेहुदा बकवास लगा रखी है आप दोनों? की बकवास छोड़िए, आप जेल में फोन लगाइए, 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 प्लीज, प्लीज लगाइए। हेलो, व्हाट नॉनसेंस! किसकी मजाल है कि हमारे होते हुए इस जेल से भागने के बारे में सोचने की भी हिम्मत करे? हाँ हाँ हाँ, मगर जब मैं राउंड पर निकला था तो मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जेल में देखा। मगर यहाँ दो साहेबान मेरे पास बैठे हुए हैं और बड़े दावे साथ कह रहे हैं कि उन्होंने रमेश को जेल से बाहर देखा है। फौरन चेक करके मुझे बताइए क्या ये सच बात है। ठीक है ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। सारे कैदी ब्लॉक नंबर 1 के पास हाजिर हो जाएं। मिस्टर गोयल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम रमेश फौरन आकर जेल सुपरिंटेंडेंट से मिले। नमस्कार, आपके आए गांव में बाहर आ गए। जाना नमस्कार मत लगा। ओ साला इंजीनियर रमेश, इसी गांव में रहता है क्या? नहीं गुरु, अभी कुछ दिन उसकी शादी हो गई और वो गांव छोड़कर चला गया। उसकी शादी हो गई? ठीक है, अब मैं उसकी बीवी को विधवा बनाऊंगा। उस साले ने मुझे जेल भिजवाया था, अब अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला काट कर ताली। क्या करते हो? ए छोकरा, इंजीनियर रमेश का मकान कहाँ बता सकता है? अरे हंसता क्या? क्या चाचा, आप मजाक कर रहे हैं? नशे में हो क्या? खुद अपने घर का पता पूछ रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जा जा। रमेश बाबू, रमेश बाबू, वो दगड़ू जेल से छूट कर आ गया है। तुम्हें बुरी तरह तलाश कर रहा है और तुम्हें जान से मार डालने की धमकी दे रहा था। मेरी मानो तो तुरंत वापस लौट जाओ। ये साला दगड़ू नया पोपट कौन है जो अपन को लुटकाना चाहता है? अपन तो इस गांव में किसी काम से आला है, लेकिन यहां तो कोई और ही लफड़ा लग रहा है। चलो देखता है साला। अबे ओ इंजीनियर के बच्चे, तूने मुझे पहचाना? मैं वो ही दगड़ू हूं। ओहो, अबे तू दगड़ू हो या डुक्कर, अपन को क्या फर्क पड़ता है? तूने मुझे जेल भेजा था, मैं तुझे दूसरी दुनिया में भेजना आया हूँ। अच्छा, तो तू दूसरी दुनिया का पोस्टमैन है क्या? क्या बोला? अबे डुक्कर, तू दूसरी दुनिया का पोस्टमैन है तो अपन उस दुनिया का पोस्टमास्टर है। अबे चल साला। We'll be right back.
आइंदा गांव वालों को सताया तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल फुटिया से मुझे माफ कर दो, छोट मुझे माफ कर दो। अरे वाह रमेश बाबू, रमेश बाबू जिंदाबाद, रमेश बाबू जिंदाबाद, रमेश बाबू, रमेश बाबू जिंदाबाद। नारे बाजियां लगा रखी है, क्या हुआ? अरे माँ जी, आपके बेटे ने दगड़ू को ऐसे पीट डाला जैसे गांव वाले पागल कुत्ते को पीट डालते हैं। आज के बाद वो इस गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या हुआ बेटे, तुझे तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं, आप उनका तो स्टील का बॉडी है, चाकू लगता है तो टेढ़ा होकर वापस चला जाता है। माँ जी, माँ जी, तू मुझे माँ जी क्यों कह रहा है? वो माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है ना माँ जी, मेरा मतलब है कि माँ माँ माँ। तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बदला क्या माँ, वो बात ये कि वो हाँ धूप में घुमा ना बहुत तो रंग काला हो गया है। अब तो तू कहे बगैर गायब नहीं हो जाएगा ना, मुझे वो 3 दिन की पूजा पूरी करनी है। अरे नहीं माँ, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चल पहले तेल से मालिश करके ना ले। दूध पी लीजिए, लीजिए दूध पी लीजिए। अरे दूध तो बच्चा लोग पीता है जूली डार्लिंग, अपन को तो पहली धार का माल चाहिए ताकि कलेजे में जान आ जाए। चुपचाप वो सोने का हार मेरे हवाले कर दो। कौन सा हार? जो तुम्हारी जेब में रखा है, निकाल गंगू। अरे कमाल है, अपुन का नाम तेरे को कैसे मालूम पड़ा? तेरे को कुछ जादू वादू आता है क्या? अरे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अरे बाप रे मर गया, देख मेरी माँ, मेरा मतलब है अपुन यहाँ कोई बेईमानी की नियत से नहीं आया था, अपुन सिर्फ हवा पानी बदली करने को आया था। अपुन का बाप का तोवा अपुन फूटते रहे यहाँ से। ठहरो, एक कदम उठाए तो सारी पोल खोल कर रख दूंगी, अब तुम ये मकान छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकता तो साला अपनी तरह कर करेगा क्या? हा? जो मैं कहूंगी वही करोगे। अगर भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। हाँ अरे नहीं, इतना जुल्म मत करो। 3 दिन तक तुम्हें रमेश बनकर यही रहना होगा, और ऐसे कि माँ जी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम कोई और हो। मतलब चोर को इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा? हाँ बनना पड़ेगा, समझ गए? समझ गया। तो फिर चलो तकिया उठाओ और बाहर जाकर बरामदे में सो जाओ। चलो निशा। गंगू, गंगू, क्या है, क्या हुआ? अरे जल्दी जाकर अंदर सो जाओ। काय को इतना जुल्म कर रही है, अंदर सो रहे तो बाहर भेज दिया, बाहर सो रहे तो अंदर भेज रही है। ऐसा आवाज मत निकालो। आवाज मत कर, इससे तो जेल अच्छी थी, ना जाने कहाँ फंस गया रे। चलना चलो, चल जल्दी चलना गंगू। अरे इधर नहीं, उधर बिस्तर पर। ओफ ओफ क्या मुसीबत है, जल्दी सोचो। निशा निशा बेटी, बंद करो तुम्हारा ये बाजा। अरे का हुआ छोटे राम जी? मैंने हाथ पैर जोड़कर इस देसी दारू की दुकान का उद्घाटन करने के लिए मंत्री महादेव को राजी किया था, अभी पता चला वो नहीं आ रहे हैं, किसी जेल का उद्घाटन करने को जा रहे हैं। अरे दिल काहे छोटा करत हो छोटे राम जी, गांव के किसी बड़े आदमी को बुलाकर उद्घाटन करवा लो। अरे इस गांव में कौन बड़ा आदमी है, सब तेरी तरह लल्लू पंजू है। क्या बात करत हो, हम लल्लू पंजू हैं? अरे हम इलेक्शन में खड़े हो जाए तो खड़े खड़े मंत्री चुन लिए जाए और फिर तुम ही आओगे हमसे उद्घाटन करवाने। बात करत हो, वैसे इस गांव में एक बड़ा आदमी और भी है। अरे वो देखो रमेश बाबू, इंजीनियर।
रमेश बाबू हाँ वो मानेंगे काहे नहीं मानेंगे और पूछन में का बुराई है अगर नहीं मानेंगे फिर हम तो हैं ए बाबूजी जरा काट देंगे अबे चुप पकड़वाएगा क्या नहीं नहीं रिबन काटना है किसी छोकरी का रिबन काटना है छोकरी का रिबन नहीं देसी दारू के दुकान के उद्घाटन का रिबन ओहो उद्घाटन करना है तो चलो कर देते हैं आइए 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 बाबूजी आइए पधारिए 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 अरे माला पहनाओ और कैंची दो प्लीज मिठाई की दुकान का उद्घाटन होता है तो मिठाई खानी पड़ती है आज दारू की दुकान का उद्घाटन है थोड़ी दारू पीनी ही पड़ेगी हम जानत हैं कि आप जैसे शरीफ आदमी दारू ना ही पियत हैं मगर एक गिलास पीनी ही पड़ेगी क्या मैं और दारू अरे तेरा दिमाग खराब है मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाता हमारी खातिर एक गिलास सरकार नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा साला दोबारा पूछेगा तो ठीक है वरना अच्छा तो जान दो आपके हिस्से की हम ही पी जाते हैं आप यहाँ पधारे बहुत बहुत धन्यवाद लगता है तुम्हें बुरा लग गया मैं शराब को मुंह से लगा लूंगा लेकिन तुम्हें बुरा लगने नहीं दूंगा धन्य है बाबूजी धन्य है पी रहे हैं बाबूजी हमारे हाथ से एक गिलास ये तो दुकान के मालिक है ना ये है छोटे लाल जी एक गिलास नहीं खाते हाँ हाँ हो जाएंगे हाथ का पियो मजा आएगा जीवन एक सपना है दुनिया एक माया है ये मैं नहीं कहता हूँ ये वेदों ने बताया है राम 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 रे राम 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 रे माना माना मैंने माना मैं हूँ मवाली माना माना मेरी हर बात निराली मवाली हूँ मैं शैतान तो नहीं गिरा हुआ कोई इंसान तो नहीं राम 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 रे राम 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 रे यार पे मरना अपनी जिंदगी प्यार करना है अपनी बंदगी अरे वे अपनी बंदगी Thank you.
किया, अरे बे बुरा क्या किया, एगो लगप्पा हो लगप्पा हो लगप्पा हा। ये काले धंधे वाले तो हो गए अमीर, मेहनत करने वाले रह गए फकीर। रामा 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 रे, माना माना मैंने माना मैं हूँ मवाली, माना माना मेरी हर बात निराली। मवाली हूँ मैं शैतान तो नहीं, गिरा हुआ कोई इंसान तो नहीं। मेरा मारा 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 मारे मारा 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 मारे। मावाले मैं, क्या हुआ मेरे बेटे को? दारू पिया हुआ है और क्या हुआ? क्या बिगर सारे बाजार में गंगा मस्ती मचा दिया, अच्छे खासे शरीफ आदमियों को काम पे जाने वालों को पिला दिया, सारा गांव पीकर लुढ़क गया। अबे तेरे बाप का क्या जाता है, आज गांव लुढ़काया है, कल शहर लुढ़का दूंगा, परसों सारा हिंदुस्तान लुढ़का दूंगा। है? अपनी लुढ़क गया है। अबे मुंह सीधा कर, बोलता है तो ऐसे लगता है गधे ने कड़वा करेला खा लिया। चल भाई चल, बकवास करता है। चलो भाई चलो चलो। क्यों रे बदतमीज, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सारे गांव वालों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मेरा सर झुका दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा जो शराब के नाम से नफरत करता था, आज वो खुद शराब पीने लग गया। दुखी मत होइए माँ जी, जमाना बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, इंसानों के दिल भी बदलते जा रहे हैं। कल तक जिस शराब को बुरा समझा जाता था, आज वही शराब ऊंची सोसाइटी में फैशन समझकर पी जाती है। जो नहीं पीते उन्हें अनपढ़ गंवार समझा जाता है। शाबाश शाबाश, क्या बात बोले ले मेम साहब। क्यों रे, शराब के नशे में बीवी से बात करने का तरीका भी भूल गया? चलिए अंदर चलिए। नहीं, अभी अपुन की प्यास बुझी नहीं है। क्यों घसीटती हो भाई, धक्का मारती है साली, कोई तमीज तमीज है कि नहीं, मुझे गिरा दे लीजिए। तमीज चाहिए, अभी दिखाती हूँ। हाँ दिखा, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई होती तो, ऊपर से धक्का मारती और बोलती दिखाती हूँ, देखा तमीज किधर है। मैं तुम्हें सिखाने वाली थी, अभी तक आए नहीं, कहाँ है? क्या कर रही है, एक तो दारू बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिली तो तुमने नशा उतार दिया। कहाँ खिसक रहे हो? बहुत हो गया, अब अपन का दिल इधर घबराता है, अपन जा रहे हैं। तुमने 3 दिन रहने का वादा किया था, वादा तोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आज और कल रह जाओ, परसों चले जाना। नहीं नहीं रे बाबा, अपन यहाँ परसों तक रहेगा ना तो अपनी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये भी साला कोई घर है, यहाँ कुछ करने को नहीं मिलता है, दारू पी नहीं सकता है, यहाँ से बाहर जा नहीं सकता है, अपनी भाषा बोल नहीं सकता है, आप जनाब में बात करनी पड़ती है, आप जनाब बोलते बोलते दांत में दर्द होने लगा है, जबान में मोच आ रहा है। नहीं नहीं रे बाप नहीं, 2 दिन अपन और यहाँ ठहरेगा ना तो अपन को टीवी हो जाएगा, अपन यहाँ से जा रहे हैं। ठहरो, वो बैग लाओ इधर। क्यों क्यों क्यों, ये अपन का बैग है, इसमें कपड़ा है अपन का, ये देखो पैंट पैंट है अपन का। मुझे मालूम है कपड़े हैं, मगर कपड़ों के नीचे इस घर का सामान भी भरा हुआ है। चलो निकालो, निकालते हो कि नहीं? तुमने चोरी क्यों की? अपन अपन को पैसों की जरूरत है, बोलो बोलते क्यों नहीं? ठीक है, अपन सच बोल ही देता है, अपन इधर पैसे के वास्ते आया था, तुम जैसा रमेश को प्यार करता है उसी माफक अपन जूली को प्यार करता है, लेकिन वो टकला डेविड जूली का बाप, जब तक अपन उसको 5,000 रुपया नहीं देगा वो अपन का शादी जूली से नहीं होने देगा। अपन ने जूली को वादा किया था कि अपन फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन क्या करता, जूली अपन से छिन जाएगा, इस डर से अपन ने फिर से चोरी कर लिया। जी ये रख लो। नहीं, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। नहीं देवी जी, अपन ने सारा जिंदगी चोरी किया है लेकिन कभी किसी से भीख नहीं लिया। ये भीख नहीं है गंगू,
समझ लो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हें तोहफा है। तुमने मेरे पति की मदद की, 3 दिन के लिए उन्हें जेल से निकलने दिया, मेरी जिंदगी बचाई। तुमने हम दोनों पर बहुत एहसान किया है। लो देखो गंगू, बहन की इस तोहफे को मत ठुकराओ। देखो अपन जिंदगी में कभी नहीं रोया, लेकिन आज रो देगा। एक तो भाई बनाती हो, ऊपर से जेवर ले जाने को बोलती हो। अपन गरीब जरूर है लेकिन जलील नहीं। पैसा कमाने का 1000 रास्ता है, बहुत मिल जाएगा, पर बहन किधर मिलेगा हर रोज। देखो बहन, अपन का जिंदगी बिल्कुल रेगिस्तान है। नीचे की दुनिया में जूली है जो अपन को मिलता नहीं, और ऊपर की दुनिया में भगवान है जो अपन को देखता नहीं। और आज एक बहन मिली है जो दिल दुखाने वाली बात करती है। दिल दुखाने वाली बात नहीं, घर बसाने वाली बात करती है। हमारा तो घर बसते बसते बिछड़ गया, कम से कम तुम्हारे तो घर बस जाए। अरे ऐसे कैसे उजड़ जाएगा, सब वापस बस जाएगा। अपन पुराना पॉकेट मार है, तकदीर का पॉकेट मार के तेरे वास्ते खुशियां उड़ा कर लाएगा। तू तो फिक्र मत कर बहन, बिल्कुल फिक्र मत कर, इसे रख ले, रख ले। निशा बेटे जी, हमारे बाग से नारियल उतारे जा रहे हैं, हिसाब करके पैसे ले आना। जी। और सुन, गलती से दाढ़ी खाने मत चले जाना। कान पकड़ता हूँ, फिर कभी नहीं जाऊंगा। पगला। निशा, ये हमारा रमेश ही है ना? हाँ, क्यों माजी? हमारी पिछली 6 पुश्तों में कभी किसी ने शराब नहीं पी, इस शराब की लत इसे कहाँ से लग गई? माजी, वो किसी ने इनसे दाढ़ी पीने की शर्त लगा दी थी। अंदर कोई है? है कोई अंदर? है कोई अंदर? कोई अंदर है? कौन है आप लोग? पहले हमारी निशा को बाहर बुलाइए। निशा को? किस लिए? सवाल मत पूछो, तो कहता हूँ वो करो। बुलाओ ना निशा को। तमीज से बात करो, कौन है आप लोग और क्यों मिलना चाहते हो निशा से? मैं उसका मामा होता हूँ, ये उसका होने वाला पति, ये नहीं मेरा बेटा है। मगर अब वो मेरी बहू है। बहू? निशा आपकी बहू कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, मैंने अपने बेटे के साथ अपने हाथों से उसकी शादी करवाई है। अच्छा, हाथों से शादी करवाई थी? कहाँ? जेल में? जेल में? और नहीं तो क्या, पिछले 2 महीने से तुम्हारा बेटा जेल में सड़ रहा, फिर तुम शादी कैसे करवा सकती हो? मेरा बेटा और जेल में? होश में हो या नशा करके आए हो? बिल्कुल होश में है बहन जी, और अभी आपको होश में लाने आए। दरअसल आपके बेटे ने मेरे जीजा जी का कत्ल किया था, उसे जेल हो गई थी, उसमें मुकदमा भी चल रहा है। लगता है आप दोनों पागल हो गए हैं, मेरा बेटा घर में है और आप लोग कहते हैं कि वो जेल में है। पिताजी पिताजी, क्या है बेटे? क्या है? इनके घर में जो अब है वो कहीं गंगू तो नहीं? गंगू? कौन गंगू है? चोर लुचाला फंगा बदमाश, जिसकी शक्ल आपके बेटे से मिलती जुलती है। मैं भी उसे देखकर एक बार धोखा खा गया था, समझा आपका बेटा रमेश है। आ गई आ गई आ गई, इसीलिए कहता हूँ तू मेरी औलाद नहीं है। लो खुद ही आ गई, उसी से पूछ लीजिए ना आप। पूछो ना। बेटी, क्या मेरा बेटा जेल में है? चुप क्यों हो, जवाब दो, बताओ ना सच क्या है। अरे ये बेचारी क्या बताएगी चाची, ये तो खुद नाटक करके तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तो सच क्या बोलेगी? दरअसल जो आदमी तुम्हारे घर में है वो तुम्हारा सुपुत्र नहीं, गंगू है गंगू। पूछो इसे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोल। मुझे जवाब चाहिए निशा, क्या ये सच है कि ये मेरा बेटा नहीं है, गंगू है? बोलती क्यों नहीं? ये गंगू ही है। क्या कहा? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब किया मेरे साथ, मेरी ममता का, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया तूने। नहीं माजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आप आइए, ऊपर आइए, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। पहले तू यहाँ से बाहर निकल। मेरी बात सुन लीजिए माजी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। डायन पापा, निकल जा यहाँ से।
चली जा। भगवान जी चली जा यार। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे क्यों मच्छी खाते पैर खराब करती है? चल कुत्ते के बच्चे पकड़। माँ जी मेरे बात तो सुन लीजिए। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? इतनी मजा कि मुझ पर हाथ उठाओ? चुप, आवाज निकालेगी तो जान से मार डालूंगा। हम दुनिया को धोखा देते, तू हमें धोखा दे रही है। हम तेरी शादी अपने बेटे से करवा कर ही रहेंगे। हाँ। उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, यह है उसका सबूत। अरे धागा बांधने से शादी नहीं हो जाती, हम तुझे बताते हैं शादी कैसी होती है। अरे खड़े खड़े हूँ क्या देख रहा है? तोड़ के फेंक दे इस मंगलसूत्र को। खबरदार जो मेरे मंगलसूत्र को हाथ लगाया, ये मेरे सुहाग की निशानी है। तुम्हारा सुहाग तो कुछ ही दिनों के बाद मिटने वाला है, फिर इस मंगलसूत्र को गले में लटकाने से क्या फायदा? ला इधर। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नहीं छोड़ूंगा। मार डालो। और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम लोग एहसान परामर्श हो, खूनी हो। मेरे पिताजी ने तुम लोगों को सहारा दिया और तुम लोगों ने उन्हें धोखा दिया, उनका खून कर दिया, तो फिर उनके बेटे को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? मार डालो मुझे, मार डालो। ठहर जा। तेरा नाम क्या है? तू कोई और है। मेरे बेटे का नाटक करके इस घर में क्यों रह रहा है? बता मेरे बेटे का क्या किया तूने? कहाँ है वो? और तू यहाँ किस मकसद से आया है? माँ, माँ जानता है माँ किसे कहते हैं? वो जो 9 महीने दर्द सह सह कर अपनी औलाद को पेट में संभालती है और जिसके एक आंसू में सैलाब की तरह बह जाती है, अपना पेट अपनी अंतड़ियां काट कर जिसे जन्म देती है, सिर्फ सिर्फ उसको माँ कहने का हक होता है और किसी को नहीं। मेरी बात तो सुन। खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे दिल में मेरे कलेजे में आग लगा दी है तुमने। अरे धोखा देने के लिए इस संसार में मैं ही एक दुखियारी मिली थी तुझे, और मेरी बहू बनने का ढोंग करने वाली वो लड़की, तुम दोनों का ये नाटक करने के लिए मेरा ही घर मिला था। नहीं माँ। पाप करने के लिए, अपना शैतानी अरमान पूरा करने के लिए मुझ बूढ़ी विधवा को ही धोखा देना था। नहीं माँ। इस सारी बस्ती में और कोई घर नजर नहीं आया तुम लोगों को? बस करो माँ जी, बस करो। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। अब मुझे गालियां दे लो, मार लो, लाख भला बुरा कह लो, मगर मगर अपनी गंगा जैसी पवित्र बहू पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ माँ जी, मत लगाओ। हाँ मैं चोर हूं, दुनिया को धोखा देता हूं, मगर तुम्हें धोखा देने इस घर में नहीं आया था। अगर धोखा देना होता तो तुम्हारे ये रुपए लेकर यहां नहीं आता, वहीं से भाग गया होता। क्यों भागता? इतने थोड़े रुपयों से तेरी लालच का पेट नहीं भरने वाला। 100,000 से तेरा क्या होगा? तूने तो घर देख लिया है, किसी दिन मौका देखकर मेरा गला दबाकर मुझे मार डालेगा और सब कुछ लेकर फरार हो जाएगा। नहीं माँ नहीं, ऐसा मत बोल। भले ही मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया, मेरा बचपन तेरी गोद में नहीं गुजरा, तूने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा नहीं किया, लेकिन इन 4 दिनों में तूने जो मुझे प्यार दिया, ममता का जो रूप दिखाया, उस रूप ने इस बेईमान को इंसान बना दिया। माँ बस बस, बहुत धोखा दे चुका तू मुझे। अब मैं तेरी इन बातों के फरेब में नहीं आने वाली। मुझे सिर्फ इतना पता, मेरे बेटे को किस कसूर में तूने जेल भिजवाया? कितने दिन की सजा हुई उसे? मैं बहुत दुखी और बदनसीब औरत हूं, पति को खो चुकी हूं, अब मेरी औलाद मुझसे मची, मुझे बेसहारा करके तू कभी सुखी नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। मां मेरा विश्वास कर, मैं तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूं, तेरे बेटे को मैंने नहीं फंसाया, किसी और ने फंसाया, मैं उसे बहुत जल्द निर्दोष साबित कर दूंगा। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, बेरहम पापी, निकल जा यहां से, इससे पहले कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव वाले को इकट्ठा करूं और कहूं कि जालिम ने मेरी कोख उजाड़ दी है, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, निकल जा, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। मां ये तुमने क्या किया? मेरे कहने पर गंगू ने सब कुछ त्याग दिया और तुम्हारे पास रहने लगा। निशा जिसने मेरे प्यार के लिए अपना घर बार धन दौलत सब कुछ ठुकरा दिया और तुम्हारी बहू बनना पसंद किया, तुमने उस पर शक किया, उसे घर से निकाल दिया। और मैं क्या करती बेटे,
मैं डर गई थी कि इस संसार में मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, अगर वो मुझसे छीन गया तो मैं पागल हो जाऊंगी, और उसी डर के मारे अनर्थ हो गया। बहुत बुरा किया मैंने। रमेश, वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती रंजीत से कर रहे हैं। शादी? ये कभी नहीं हो सकता। शादीशुदा लड़के के दोबारा शादी करवाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो किसी अनर्थ को नहीं मानते बहन जी, लालची और लुच्चे लोग हैं, पैसों की पूजा करते हैं और पैसों की चाबी से हर दरवाजा खोलना चाहते हैं। रमेश, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी वकील साहब, जब तक आप मुझे यहाँ से छुड़ाएंगे उस वक्त तक निशा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। सिर्फ एक तरीका है, ऐसी हालत में सिवाय गंगू के निशा को और कोई नहीं बचा सकता। माँ, तुम गंगू के पास जाओ, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे किसी भी हालत में निशा की जिंदगी बचाने के लिए मना लो। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ। लेकिन वो रहता कहाँ है बेटा? माँ जी, आप? हाँ बेटा, उस दिन मैंने तुझे अपमान करके अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन आज अपना दामन फैलाकर तुझसे भीख मांगने आई हूँ। तुझे एक बार माँ कहा है तो अखा जिंदगी माँ ही समझेगा, और माँ अपने बेटे से भीख नहीं अपना हक मांगती। तू एक बार मांग कर तो देख, तेरे लिए जान भी हाजिर है। बेटे, उस दिन अजीत निशा को जबरदस्ती उठा के ले गया था ना, अब वो उसकी शादी दोबारा अपने बेटे से करवाना चाहता है। जिस तरह विधाता का लिखा तकदीर कोई नहीं बदल सकता, उसी तरह सुहागन का मंगलसूत्र भी कोई नहीं तोड़ सकता। तो फिक्र मत कर माँ, आप उन ये शादी भी रोकेगा और अजीत का जिंदगी में बर्बादी का कील भी ठोकेगा। तो जल्दी जा बेटे, अगर देर कर दी तो गजब हो जाएगा। अपनी माँ का इतना काम करते कौन है जो माँ बनकर मेरे बेटे को मुझसे पूछे बिगड़ भेज रही है? सावित्री, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारा बेटा है? ये राज मेरे सिवा तो कोई नहीं जानता था। राज? कौन सा राज माँ, बोलना, ये तो क्या बोल रही है? यही कि तू मेरा बेटा नहीं है। न जाने कौन सा पाप मेरे सामने आ गया कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। लेकिन उसी वक्त उसी वार्ड में सावित्री बहन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए लाश को रिश्वत देकर जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा यानी कि तुम्हें चुपके से उठाकर मेरे करीब लिटा दिया। सावित्री बहन, झूठ और फरेब ज्यादा दिन छुप नहीं सकते। ये तुम्हारा बेटा है, इसे ले जाओ। माँ, 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 गंगू बेटे, अब अपन को दो दो माँ का प्यार मिल गया। पहले अपन सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से लड़ने को जा रहा था, अब अपन अपन का खून के लिए लड़ेगा। अपन अपन का भाई को जेल से छुड़ाएगा। गंजेड़ी, जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। जाओ। अरे अरे, यूं यूं क्या करा, चलिए निकल। पिताजी। अबे, तेरी शादी होने वाली, सीधा खड़ा रहे, ये भरतनाट्यम क्या कर रहा है? अरे अपन को माफ कर दिया। अरे तू टांग छोड़। वो दिन अपन तुमको बराबर पहचाना नहीं, इसलिए जो मुंह में उल्टा सीधा आया पक डाला, तुम्हारा बेइज्जती का अपमान कर डाला। बेइज्जती का अपमान कर डाली? ए जोकरी, कौन है तू, रो क्यों रही है? अजी क्या किया जी आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ किया क्या? क्या किया मैंने? नहीं किया ना। देखो, अरे ये तो वो है, कौन है तू? जूली। जूली, जूली। अजी कौन सी जूली? अरे वो कौन सा गु है ना, गु गंगू, हाँ उसकी होने वाली बीवी है। गंगू कहाँ है वो साला? खांदे पास, धोखे पास। अपन उसी को ढूंढता ढूंढता इधर तक आया। साला लफड़ा 420 शादी का वादा अपन से किया और तुम्हारा घर का छोकरी निशा को भगा कर ले गया और उसे शादी कर डाला। बताओ, अपन उसको कच्चा चबा कर खा जाएगा। अबे गधे की औलाद, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जवाब देना। उसके बाप की हिम्मत तो इधर आएगा। और दूसरी बात ये है जूली, निशा के साथ उसकी शादी सिर्फ एक नाटक था, नाटक। ओ क्या बोलता है? मुझे मेरे माँ की कसम, निशा के साथ शादी मैं कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में रजिस्ट्रार इधर आएगा, उसके बाद वो मेरी बीवी और मैं उसके पति। अच्छा, तुम्हारी शादी हो रही है? बहुत खुशी का बात है। जीसस तुमको सुखी रखे। थैंक यू।
साहब अपन गरीब है, ये लो। कभी अमीर लोग का शादी नहीं देखा, कैसा होता है अपन देख सकता है? अरे जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बेटा जी, पिताजी आओ। कदे की औलाद आए। देखो पिताजी, शादी के टाइम पे गाली नहीं देना। गाली कैसी की तैसी, मैं तेरी शादी कैंसिल करा दूंगा। तूने क्या समझ लड़की घर में रहने की इजाजत दी है? तेरा दिमाग खराब हो गया? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया। हाँ, इस लड़की के यहाँ रहने से हम सबका फायदा है। क्या फायदा है? इतिहास मत पूछो। साला मेरा डायलॉग मुझे सुना रहा है, बोल क्या फायदा? फायदा यह है कि शादी के वक्त अगर गंगू यहाँ पर आ गया तो उसका मुंह बंद करने की ये लड़की गोली का काम करेगी। अरे जियो, नहीं तू मेरी औलाद नहीं है। क्या हुआ साहब, अपन शादी तक रुक सकता है ना? जियो से कॉल करे, दो चार शादी तुम्हारा हो जाए। क्या बकती है, चल जा अंदर। अच्छा कॉल करे, तुम्हारा भी दो चार शादी हो जाए। तुम्हारा गॉड कब करेगा? कुछ नहीं, पागल है लड़की, कुछ भी बकती है। पिताजी मुझे प्यार करो ना, शादी है मेरी आज। ले पहन ले साड़ी। एक बार मैंने कह दिया मेरी शादी हो चुकी है, मैं पतिव्रता हूँ। अच्छा, फिर क्यों मुझे दोबारा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? अरे कलमुही, वो शादी नहीं थी, बर्बादी थी। शादी जो अब होने जा रही है ये शादी है, खाना आबादी है। देख मेरी बात सीधी तरह मान ले और पहन ले ये साड़ी, नहीं तो मार मार के हड्डियाँ तोड़ूंगी। तुम मुझे जान से मार डालो, मगर ये शादी किसी हालत में नहीं होने दूंगी। ये साड़ी नहीं पहनेगी, ये साड़ी नहीं पहनेगी, बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या हुआ, क्या बात है? अरे देखिए धर्म दादी की जिद, शादी की साड़ी पहनने से इनकार करती है। बस इतना सा बात? अरे ये इतनी सी बात है क्या? अरे तो अपन को बोलो ना, इसको क्या, इसका घर में जितना मर्द रहता है उनको भी साड़ी पहना डालेगा। तुम जाओ, फिक्र मत करो, अपन इसको देखता है। क्या रे, क्या बोला तू, ये साड़ी नहीं पहनेगा? अच्छा किया, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। तुम जाओ माँ जी, अपन ने तड़ी पार मवालियों को सीधा किया है, तो फिर ये डेढ़ फीट का छोकरी क्या है? तुम जाओ, जाके सो जाओ। कौन हो तुम? बेबी जी माफ करना, वो बुड्ढे को पटाने के लिए तुमको छापड़ मारना पड़ा। अपन जूली है, गंगू का होने वाला वाइफ। गंगू आने वाला है, तुम घबराओ मत, अपन लोग है तुम्हारे साथ। देखो ये साड़ी पहन लो, अपन वो लोग का कपड़ा उतारता है। ओके ठीक है। मिस्टर अजीत जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। बस थोड़ी देर आती होगी। मेरे पास वक्त कम है, मुझे दूसरी शादी भी करवानी है। आपने अगर देर की तो मैं चला जाऊंगा। अरे कैसी बात करते हैं आप घर के आदमी होकर ऐसी। महाशय मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, पैसे के लिए मंत्र कम या ज्यादा करने वाला लालची पंडित नहीं। हाँ गधे की औलाद लाएगी हम तक। आ गई आ गई। पिताजी इसे शादी में बुलाया नहीं, तो मैं यहाँ से जाने के लिए कही है ना। ऋषा कौन है ये, कौन है बे तू? मैं मिस्टर अजीत, ये क्या हो रहा है? अबे तुझे किसने बुलाया? चुप हट। निशा ये दुल्हन है, ये दूल्हा है। तो ये कौन है? ये मेरी पति है। मतलब तुम शादीशुदा हो? हाँ, हमारी शादी तो कब की हो चुकी। जी ये कब बेवकूफी है, आप शादीशुदा लड़की की शादी दोबारा करवाना चाहते हैं? अरे इसका दिमाग खराब है, ऐसी बकवास कर रही है। आप इसकी मत सुनिए, आप शुरू हो जाइए, दोनों की शादी करवाइए। चलिए शुरू हो जाइए। कैसे हो जाऊं, शादीशुदा लड़की की शादी दोबारा करवाऊंगा तो सरकार मेरी शादी को तलाक में बदल देगी। ये काम गैर कानूनी है, मैं चलता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, उन्हीं को अपनी बात सुनाइएगा। जी पट्टे वाले साहब। ये हमारे दामाद हैं, इनकी खातिर तवाज़े करो, इनका ऐसा इस्तकबाल करो कि इनके सर पे एक बाल न रहे। जनाब अरे मैं भागो। Stop!
अबे चुप, देख बे मुच्छड़, ये तो सिर्फ चार हैं, अगर 400 भी रहे तो भी उनका यही हाल होगा, याद रख, रहेगा ना? मैम क्या करते हो? बहुत खतरनाक और जहरीला सांप है, आदमी को देखते ही डंक मार देता है, अभी उसकी चीख सुनाई देती होगी। निकालो भाई, इतने बड़ों को तो अनाथ आश्रम वाले भी भर्ती नहीं करेंगे। पिताजी मुझे भर्ती कर लेंगे। चुप है, तू मेरी औलाद नहीं है। भाई मत निकालो। ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन हराम की खाने को नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा। काम? काम कैसा काम? आओ बताता हूँ। क्या तरक्की की है तूने, सर से पांव पे उतरा है,
निशा की मांग में सिंदूर तो नहीं भर सका, आप उसके पाँव की जूती साफ कर रहा है। रंजीत, रंजीत तू है इसी लायक, 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 इसी लायक। ये लो, जल्दी से पॉलिश करो, अभी तुम्हें सारे गंदे कपड़े धोने बाकी है। गंदे कपड़े? ए बुढ़ाओ, खड़े खड़े सपने क्या देख रहा है? चल जल्दी कर, अभी पूरी बिल्डिंग को बाहर से चूना भी लगाने का, चल। लगाता हूँ, ऐसा चूना लगाऊंगा सारी जिंदगी मेंढक की तरह फड़ाक 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 उछलता रहेगा। जल्दी जल्दी मार, कैसा ऐसा करता है? अभी ना अखा घर का छत दीवार को पानी से घस घस के साफ करना है, समझा? क्यों इतनी गंदी हो गई है क्या? क्या हो रहा है? छूट गया। उठाओ मांजो जोर से। पिताजी तुम्हारे इतिहास में हमारी तरह मार खा खा कर कुत्तों की जिंदगी गुजारने वाले और लोग भी है कि सिर्फ हम? अरे बेवकूफो, तुम लोगों को कब अकल आएगी? मुझे मार खाने या गालियां सुनने का शौक है, हैं? मेरा बाप क्या पाटे मारी का काम करता था, मगर वक्त की नजाकत को देखकर सब कुछ करना पड़ रहा है। अरे लाला था तुम्हारे वक्त पर, उसकी नजाकत पर। अगर ऐसे ही जीना है तो चलो टोकरे में भाजी तरकारी भर कर गली गली बेहतर करते हैं, वो ज्यादा आसान तरीका जीने का। इसीलिए कहता हूँ तुम मेरी औलाद नहीं है, अस्पताल में बच्चे बदल गए थे। अबे गधे की औलाद, मैं कोई बेवकूफ नहीं जिस घर में रह रहा हूँ। इसके पीछे एक राज है, जिस तरह हिंदुस्तान के लिए इतिहास जरूरी है उसी तरह हमारे लिए इस घर में रहना जरूरी है। हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, भूल गए तुम लोग? और फैसला क्या हो सकता है, रमेश पे इल्जाम साबित हो चुका है, उसे फांसी लग के रहेगी। और अगर हम यहाँ से निकल गए तो फांसी का पन्ना हमारे घर में। माँ कितना अच्छा प्लान बनाया था हमने मामा जी की वसीयतनामा बदलने का, पता है हम दोनों यहाँ से पूना चले गए, लोग समझे कि हम किसी काम से पूना गए, वहाँ हम होटल में ठहरे, होटल के रजिस्टर में हम दोनों का नाम भी है। आधी रात को सबसे नजरें बचाकर माँ हम दोनों इधर आ गए और सीधा मामा जी के कमरे में पहुंच गए, तकिया लेकर मामा जी का मुंह दबा दिया। माँ, मामा जी मछली की तरह तड़प कर बिना आवाज के मर गए। उनको मारकर हम दोनों वापस चले गए, किसी का कुछ पता नहीं चला। माँ आस्ते बोल, कुछ सुन लेगा। साल भर पहले अखबार में पढ़ा नहीं, करम सिंह नाम का बेवकूफ आदमी था, उसने भी ऐसी खून के तेज से हमने किया, वो भी अपने बाप के सामने ऐसी पढ़ाई मारा था जिससे तू मार रहा है, और उसी वक्त सारी बातें किसी ने टेप में रिकॉर्ड कर ली। मैं नहीं मानता ये बातें बातें। अच्छा बताओ करम सिंह कौन था? इतिहास मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। कैप्टन सैमुअल स्पीकिंग। सेक्शन ए को 5 मिनट के अंदर हमारे घर भेज दो, अर्जेंट एंड ओवर। ओके सर। सेक्शन ए, बॉस के घर जाओ। हाँ, अब देखना अपन कैसे उनको दन दना दन दन दना दन दा तांडव नृत्य कराता है। गंडोत्रा ने भी इसी तरह बातें रिकॉर्ड की थी, बेचारा मारा गया। गंडोत्रा? गंडोत्रा कौन है ये मत पूछो, पिताजी जो कहते हैं वो सुनो। रिकॉर्ड करके कैसेट कहाँ रखा है बोलो? कौन सा कैसेट? अपन ने कोई कैसेट रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, तुम ऐसे नहीं बताओगे। सेक्शन ए, एक्शन। अबे परेड क्या कर रहे हो, अटैक! अबे मुझे क्या कर रहे हो? Thank you.
ना इसकी गर्दन थरथराला कर दूंगा। पकड़ो इन हरामजादे हरामजादियों को। सर इसके पास तो कैसेट नहीं है, इसे अपने साथ ले चलो, सेक्शन बी इनका ऑपरेशन करेगी। चला आप आओ। चलो चार बार मारेंगे एक बार गिनेंगे। बताओ कैसेट कहाँ है? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। सेक्शन बी एक्शन। मेरे पास गुंडों की पूरी फौज है, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन जेड तक। बता दे वो कैसेट कहाँ है, बता दे वरना इतनी मार खाएगा कि गले की गली से आवाज नहीं निकलेगी और हलक का कैसेट प्लेयर टूट जाएगा। कोई परवाह नहीं, पर तेरी मौत का कैसेट 24 घंटे के बाद कोर्ट में बजने वाला है। रमेश बेगुनाह साबित होकर छूट जाएगा। अपुन रहे न रहे, अपुन का भाई तेरी मौत का कैसेट बजाने जरूर आएगा। सेक्शन सी तुमसे उगलवा लेगी। सेक्शन सी एक्शन। घूमने में तुमने मेरी फाड़ी थी पैंट, अब मैं तुम्हारी फाड़ूंगा पैंट। ये लो, ये भी फाड़ूंगा मैं, ये फाड़ दी। कुत्ते! एक्शन डी एक्शन। तू तो बड़ी बहादुर लड़की है, हैं? तू हमको बताएगी? ए शोभा, तुम जरा बाहर जाओ, मैं इसको खोलता हूँ। क्यों जी? इसे खोल रहे हो तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम बाहर जा। जी नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी आंख में मुझे शैतान नाचता हुआ नजर आ रहा है। पीताम्बर पोपटलाल की बीवी ने भी अपने पति पर ऐसी शक किया था जैसे तुम कर रही हो। जानती हो उसका क्या हुआ? बेईमान, धोखेबाज, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर मुझसे ही मिलने आए हो। प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाल, मरने वाले गाली नहीं बका करते, वरना स्वर्ग में तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। हम तेरी आत्मा को शांति पहुंचाने का प्रोग्राम बनाकर आए हैं। सुन ले। सुना बे। कल अदालत में मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। जज साहब तुमसे आखिरी बार पूछेंगे कत्ल तुमने किया है या नहीं। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि मैं कातिल नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि कत्ल तुमने किया है। जानते हो क्यों? मैं बताता हूँ। ये सब बेचारे तोतों की तरह मेरे पिंजरे में कैद पड़े हैं। अगर तुमने इनकार किया और ये कहा कि कत्ल तुमने नहीं किया है तो इन फोटोओं का फ्रेम बनाकर हम उन पर हाथ चढ़ा देंगे। और तुम्हें आकर अगरबत्ती जलानी पड़ेगी। हार और अगरबत्ती का मतलब समझते हो ना? देखो भाई, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। चल बे। मिस्टर रमेश, अदालत की दूसरी तमाम कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ तुम्हारा बयान बाकी है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि गोयल साहब का खून मैंने किया है। उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी मुझसे करने से इनकार कर दिया। मैं अपने गुस्से पर काबू न पा सका और उनका खून कर दिया। रमेश, ये तू क्या कह रहा है? नहीं, ये झूठ है जस्सा, ये गलत बोल रहा है। मुल्ज़िम रमेश
बल्द यशपाल ने अपने जुर्म का इकबाल किया। 9 अक्टूबर की रात को इसने अपने मालिक श्री गोयल का तैश में आकर कत्ल कर दिया और प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट भी तमाम सबूतों के साथ यही साबित करती है कि गोयल साहब का रमेश ही कातिल है। लिहाजा अदालत रमेश को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा तजवीज करती है। मां, मैं तेरा कर्जदार हूं। तूने सारी जिंदगी दुख झेल झेल कर, दुनिया की सारी तकलीफें सह सह कर मुझे बड़ा किया और आज बड़ा होने के बाद तुझे सुख की छांव देने की बजाय दुख की जलती धूप में छोड़कर दुनिया से जा रहा हूं। मां, ऐसा मत बोल बेटे। कल सूरज निकलते ही मुझे फांसी हो जाएगी। ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है इस दुनिया में। मुझे आशीर्वाद दे मां, ताकि अगले जन्म में तेरी कोख से जन्म लूं और तेरे नासू और दुखों का कर्जा उतार सको। जुग जुग जियो बेटे। मां भी भगवान ने दुनिया में एक निराली ही चीज बनाई है, जन्म देने से लेकर बेटे की आखिरी सांस तक हर घड़ी यही कहती है, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो बेटे। ये भगवत गीता है, इसे अपने पास रख ले, तेरा ये सफर आसानी से गुजर जाएगा। चलिए, मिलने का टाइम पूरा हो गया। ठीक है बेटे, तुझे भगवान के सुपुर्द किया। अपन का बेटी जूली और गंगू को अजीत का आदमी लोग बंद करके रखा है। आप उनका मालूम है, चलो। लेकिन ये, अरे अपन इसका बंदोबस्त करता है ना, चलो अपन के साथ। ठीक 2 घंटे बाद रमेश के गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला है, फिर तुझे कौन बचाएगा? जिद करके क्या फायदा? इन कागजात पर दस्तखत कर दे, मैं तुझे जिंदगी दूंगा, इज्जत दूंगा और बहू बना के घर में रखूंगा। मुझे मरना मंजूर है, मगर तेरी बहू बनना और दस्तखत करना मंजूर नहीं। तो समझ ले कि तेरा वक्त खत्म हो गया, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अबे बचाने वाला हाजिर है। भैया, भैया you
कमीना तेरा सब कुछ जल गया, अड्डा जल गया, आइडिया जल गया, चोरी का पैसा जल गया, आदमी जल गए। अब अपनी जिंदगी जलाने के लिए कोर्ट में चल, चल, अबे चल। आधी रात को सबसे नजरे बचा के माँ हम दोनों इधर आ गए और सीधा मामा जी के कमरे में पहुंच गए। तकिया लेकर मामा जी का मुंह दबा दिया। माँ, मामा जी मछली की तरह तड़प कर बिना आवाज किए मर गए। पिताजी, पिताजी, वो जज देखो कैसे घूर के देख रहा है। उसकी नजरों से ऐसे लगता है कि वो हमें फांसी से भी ज्यादा सजा देगा। तू जैसी बदनसीब औलाद गधे की औलाद अगर औलाद होगी तो और क्या होगा? तू मेरी औलाद नहीं है। तुम मेरे पिता नहीं। अदालत छपाल को निर्दोष करार देते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है और असली मुजरिम अजीत और रंजीत को उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। बिल खोदने वाले चूहों को तो मैंने पकड़वा दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि जिन महापुरुष से मैंने वादा किया था वही नहीं रहे। भगवान ने पिता का साया छीन लिया, मगर उसके बदले ये माँ जो दे दी, भाई जैसा देवर दे दिया।